हेलो बच्चों, जय हिंद सभी को। जैसा कि आज का ये हम लोग आप देख सकते हैं कि नेवी के भी पेपर का मॉडल पेपर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन और उसी टाइम पीरियड में ड्यूरेशन में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा इसमें कि किसी रिलेटेड क्वेश्चन से उसके कॉन्सेप्चुअल में क्या क्या जरूरत पड़ रहा है, कौन से फॉर्मूला कौन से थ्योरम का जरूरत पड़ रहा है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो बच्चे आप मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में और ये 2500 क्वेश्चन को हम लोग सही तरीका से सॉल्व करेंगे। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330003 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। और सटीक मेथड बताएंगे कि किससे जल्दी कम टाइम में किस तरीका से इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग चलिए बच्चे बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। तो चलो सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है यहां पे, लॉग लॉग 27 बेस 9, लॉग 32 बेस 8, लॉग 27 आधार 9, लॉग 32 आधार 8। इसका जो मान आएगा वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एक सूत्र होता है यहां पे फॉर्मूला, एक सूत्र को यहां पे याद कीजिएगा कि अगर ऐसे लिखे हुए हैं लॉग a का पावर p और बेस b का पावर q लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू हो जाता है p by q। अगर ये q लिखा हुआ है तो p by q log a बेस b। इस सूत्र का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इस कंडीशन के हेल्प से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चे देखिए यहां पे यही वाला कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लॉग 27, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3 का स्क्वायर। प्लस लॉग 27 को, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना 5। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। बताओ यहां से 3 आएगा, यहां से 2 आएगा, यहां से 5/3 log 2 base 2। बताइए log 3 base 3 इसका मान 1, तो मतलब सिंपल ये वैल्यू कितना आ गया, 3/2। और यहां से वैल्यू कितना आ गया आपका, 5/3। सो एलसीएम इज 6, 9 + 10 19, 19/6। तो इसका आंसर हो जाएगा 19/6, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आ गया होगा। यहां पे जो सूत्र का यूज हुआ, इस सूत्र का यूज, ये फॉर्मूला का यूज कीजिएगा कि लॉग ए का पावर अगर पी है, बी का पावर क्यू है, अगर बी का पावर यहां पे क्यू है, बी का पावर क्यू है, तो पी बाई क्यू हो जाता है। यहां पे कंडीशन पी बाई क्यू लिख देते हैं, पी बाई क्यू हो जाता है लॉग ए बेस बी। तो वही चीज यहां पे किए, 27 लिखा हुआ तो मैं लिख सकता था 3 का क्यूब बेस 9। को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। लॉग 32 को भी लिख सकता हूं 2 का पावर 5। एंड 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यहां से चला जाएगा 3/2। लॉग 3 बेस 3 का मान 1, लॉग 2 बेस 2 का मान 1। इसको सिंपली सॉल्व कर दिए, अल्जेब्रिक एडिशन है, अल्जेब्रिक एडिशन भिन्न का जोर है, इसको सॉल्व किए, आंसर आ गया आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बच्चे यहां पे एक फॉर्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए किसके बराबर होगा। तो यहां पे अगेन तुम्हारा सेट्स में समुच्चय सिद्धांत चैप्टर में आप बहुत सारे सूत्र पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो यहां पे एक सूत्र यूज होगा कि अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो इसको हम लोग लिखते ए इंटरसेक्शन बी डैश। एक सूत्र ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा यहां पे क्वेश्चन में, तो ये याद रखिएगा। दूसरा चीज हम लोग ये याद रखेंगे, दूसरा चीज ये याद रखोगे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। ये दो चीज का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट है। तो जो भी क्वेश्चन में जिस चीज का जरूरत पड़ रहा है मैं यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को बनाने में ये चीज का कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा तो मैं नीचे लिख दिया। अब क्वेश्चन यहां पे ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन है आपका ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। तो बताइए बच्चे बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए को, ए माइनस बी को जब ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखे तो बी माइनस ए को लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट का यूज करो, क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाता है, फाई, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय के साथ बी, तो रिक्त समुच्चय और बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी यहां पे जो लिखा हुआ है आप इसको लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी, रिक्त समुच्चय के साथ किसी भी चीज का इंटरसेक्शन जब हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू जो तुम्हारा होता है सी हो जाता है। सो द राइट आंसर इज सी। किसी भी सेट्स के साथ अगर मान लो सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट का यूनियन किया जाएगा तो यूनिवर्सल सेट आता है, और किसी सेट्स के साथ अगर मान लीजिए रिक्त समुच्चय का इंटरसेक्शन किया जाएगा, नल सेट का इंटरसेक्शन किया जाएगा, तो इसका आंसर नल सेट होता है। क्लियर है ये? तो यहां पे इसका आंसर आपका जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका फाइव। सो द सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में जिस चीज का जरूरत पड़ रहा है मैं यहां पर नीचे लिख दिया, तो इस क्वेश्चन के हेल्प से आप आगे वाला कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि ये कंडीशन ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को मैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं, है ना। तो इस कंडीशन के हेल्प से आपका आंसर जो हो जाएगा टू का, वो क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाय टू, माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाय टू। ध्यान से देखो, इसके बारे में आप किसी एक चैप्टर में सीखे होंगे, समरी संख्या में सीखे होंगे, इकाई घनमूल लिखा हुआ है। माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू को इकाई घनमूल बोल सकते हैं। सो माइनस माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू, इसको आप ओमेगा लिख सकते हो। माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू का पावर थ्री एन प्लस माइनस वन माइनस रूट थ्री आई का पावर थ्री एन। ये इकाई घनमूल का ओमेगा वैल्यू होता है, ओमेगा का पावर थ्री एन, और इसको क्या बोल सकते हो, जब ये ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, जब इसको ओमेगा स्क्वायर मानोगे तो ये ओमेगा होगा। सो ये ओमेगा स्क्वायर का पावर थ्री एन, इसका मान भी वन आएगा, इसका मान भी वन होगा। सो राइट आंसर इज टू। सो सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन का डायरेक्ट ही एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा कि माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू का एक्सप्रेशन जब भी दिखेगा आप उसको ओमेगा मान लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको ये वाला एक्सप्रेशन दिखेगा तो इसको आप क्या मानेंगे, ओमेगा, और जब ये वाला दिखे वैल्यू तो इसको ओमेगा स्क्वायर मानेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि इसी को ओमेगा बोलते हैं, अगर इसको ओमेगा स्क्वायर बोलोगे तो ये ओमेगा होगा। एक्चुअली ओमेगा और ओमेगा एक दूसरे का क्या होता है, संयुग्मी, एक दूसरे का कंजुगेट। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का कंजुगेट कहलाता है। तो ये थर्ड नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी। सो इट क्लियर, समझ में आ गया आप लोग सभी को ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए। इसको ओमेगा का पावर 3n, जब भी इकाई घनमूल का पावर अगर 3n 3n 6n 9 कुछ भी दिया हुआ उसका मान 1 होता है, मतलब 3 के गुणनफल में कुछ भी वैल्यू का पावर घात लिखा हुआ है तो उसका उसका जो मान आएगा वो 1 आता है। सो 1 प्लस 1 2, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द इक्वेशन डज नॉट पजेस रियल रूट्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट, यदि समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो सिंपल सा बात बताए थे कि ये कंडीशन आप सीखे होंगे कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो मूल क्या होता है तुम्हारा, वास्तविक और असमान। मूल क्या होता है आपका, वास्तविक और असमान। दूसरा कंडीशन क्या सीखे थे कि डी बराबर जीरो होता है तो मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान। तीसरा क्या लिखते थे कि डी लेस देन जीरो है तो मूल क्या होगा, मूल जो होगा तुम्हारा काल्पनिक हो जाएगा, या बोल सकते हैं नो रियल रूट्स, आभासी, है ना। यहां पे नो रियल रूट्स, जब डी लेस देन जीरो होता है तो ये वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक मूल नहीं मिलता। तो आप ये इस कंडीशन के हिसाब से बोल सकते हैं कि डी जब ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, डी इज इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड डी इज लेस देन जीरो तो इसको क्या बोलते हैं, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो रूट्स आर नॉट रियल यहां पर देख सकते हैं, डज नॉट पजेस रियल रूट्स, यहां पर रियल रूट्स नहीं है। तो रियल रूट्स नहीं है तो यहां पे बोल सकते हो एक द्विघात समीकरण में, सो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। रियल रूट्स नहीं है तो यहां पे कंडीशन क्या लगाएंगे, डी जो होगा लेस देन जीरो होगा, सो माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन इंटू वन, सो बी स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन जीरो। इसको लिख सकते हैं बी माइनस टू बी प्लस टू लेस देन जीरो। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो दो मान आएगा, माइनस दो प्लस दो, दो से आगे रखिएगा तो पॉजिटिव, ये निगेटिव मिलेगा और ये पॉजिटिव मिलेगा। तो मुझे कौन सा मान चाहिए, निगेटिव वाला चाहिए, मुझे निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, सो बी बिलोंग्स टू माइनस टू 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 ओपन ब्रैकेट माइनस टू टू टू, ऑप्शन नंबर बी।
बी स्क्वायर माइनस फोर सी, बी माइनस टू बी, इसको फैक्टराइज कर दिए, सो माइनस टू इधर आएगा, टू इधर आएगा, टू से ऊपर देखोगे पॉजिटिव मान आएगा, देख सकते हो थ्री रखिए, थ्री माइनस टू पॉजिटिव, थ्री प्लस टू पॉजिटिव, टू और माइनस टू और टू के बीच में कोई भी मान रखो, मान लेते वन रख रहे हैं, वन माइनस टू निगेटिव, वन प्लस टू पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव का गुणनफल निगेटिव, माइनस टू से इधर करेंगे तो पॉजिटिव, तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका माइनस टू से टू आएगा, सो द राइट आंसर इज बी, बी इसके सही आंसर आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन की ओर देखिए। इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड जो है ये किस में लिखे हुए हैं आपके जीपी में, और ए बी सी जो है वो किस में दिया हुआ एपी में, और मुझे इसका मान चाहिए एक्स का पावर बी माइनस सी, वाई का पावर सी माइनस ए, जेड का पावर ए माइनस बी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है इसको समझिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को सॉल्व जब भी करना हो तो क्या कर सकते हैं, एक्स को आप मान लीजिएगा वन, वाई को मान लेना दो, और जेड को मान लेंगे फोर। देख लो वन टू फोर क्या जीपी है ना, और ए बी सी रियल नंबर है एपी में है, तो इसको वन मान लीजिएगा, इसको टू मान लेंगे, और इसको थ्री मान लेंगे। एक्चुअली मुझे ऑप्शन से मतलब है कि ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट, तो इस मेथड का यूज कीजिएगा जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड आप जीपी में है, तो एक्स को मैं वन मान लूंगा, वाई को टू मान लूंगा, जेड को फोर मान लूंगा, है ना, एक दो चार एपी होता है, एक दो चार क्या होता है जीपी, गुणोत्तर श्रेणी में है, और एक दो तीन क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। तो बताइए इसका मान क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना माने थे एक, एक का पावर बी माइनस सी, बी माइनस सी बताओ क्या दो में से तीन चला जाएगा तो माइनस एक, वाई, वाई किसको माने थे दो को, दो का पावर सी माइनस एक, तीन माइनस एक दो, जेड, जेड किसको माने थे फोर को, फोर का पावर ए माइनस बी, वन में से टू माइनस वन, माइनस वन का पावर वन, वन बाय वन, टू का पावर टू फोर, फोर का पावर माइनस वन, वन बाय फोर, कटने के बाद कितना आ गया इसका आंसर वन, सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये बहुत सिंपल तरीका से आप बहुत जल्दी एकदम 30 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर आंसर इसका बता दीजिएगा, बस ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे। जब भी ऐसे कंडीशन में आपको ऑप्शन मारना होगा, ए बी सी ए पी है, तो ए बी सी अगर ए पी दिया हुआ, एक्स वाई जेड आपका जी पी दिया हुआ, तो ए बी सी को आप वन टू थ्री मान लीजिएगा, ए बी सी को क्या मान लेंगे वन टू थ्री, और जी पी को अगर एक्स वाई जेड जी पी दिया हुआ है तो जी पी में क्या मान लेंगे वन टू फोर। अब उसके बाद जहाँ जहाँ पे जो मान दिया हुआ है उसको आप रख लीजिएगा। तो ये बहुत सिंपली बहुत सरल क्वेश्चन हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में आप ज़्यादा टाइम नहीं गवा पाइएगा, मैक्सिमम आपका अगर आप जो बनाएंगे क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर बता देंगे कि क्या होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया हो अच्छे से, सही तरीका समझ में आ गया कि ए बी सी अगर ए पी होगा तो क्या मानेंगे एक दो तीन, और अगर ए बी सी जी पी होगा तो एक दो एक ए एक दो चार, है ना, वन का डबल दो, दो का डबल चार, ए पी क्या हो जाएगा ए वन टू थ्री, दो में से एक जाएगा तो एक, तीन में से दो जाएगा तो एक। तो इस कंडीशन से आप पांचवा नंबर क्वेश्चन को आप सिंपल तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1000 एंड 10000, तो मुझे बताइए 1000 और 10000 के बीच में जितने भी नंबर बनेंगे वो कितने डिजिट का नंबर बनेंगे, फोर डिजिट का नंबर बनेगा, चार अंकों की संख्या बनेगा। 1000 और 10000 के बीच में जितना भी अंक बनेगा सब कितने अंक के बनेंगे, 4000 के, है ना। तो सिंपल सा जितने भी बनेंगे चार अंकों की संख्या बनेंगे, और जो संख्या यूज करना है वो 4 5 6 यूज करना है। तो यहां पे कितने तरीका से इसको फिल कर सकते हो, तीन तरीका से, कि तीन भी दे सकते, चार भी दे सकते, पांच भी दे सकते, छह भी दे सकते हैं, इसको भी तीन तरीका से, इसको भी तीन तरीका से, इसको भी तीन तरीका से। तो इसका पूरे कुल कुल नंबर ऑफ बेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बेज, तीन का पावर चार 81। तो बहुत सरल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको एकदम चुटकी बजा के बता सकते हैं क्वेश्चन। 1000 और सिंपल सवाल बताओ ना, 1000 और 10000 के बीच में कितने अंक बनेंगे, चार अंक की संख्या बनेंगे ना, 1001 1002 1003 से लास्ट नंबर क्या बनेगा 9999, तो 9999 भी चार अंकों की संख्या है, 1001 भी कितने अंक, चार अंकों की संख्या है, और जो भी उसके बीच में अंक बनेगा जितने भी अंक बना वो यही यूज करना है आपको, चार पाँच छः ही यूज करना है, इसके अलावा कोई नंबर यूज नहीं करना है, चार पाँच छः के अलावा कोई दूसरा नंबर यूज नहीं करना है। तो आप बता सकते हैं इस नंबर को फिल करने का कितने तरीका हो जाएगा, तीन तरीका से, या पे यहाँ पे चार दे सकते हैं, पाँच दे सकते हैं, छः दे सकते हैं, दूसरे तरीका में भी तीन तरीका से, या तो चार या पाँच या छः,
तीसरे में भी 4, 5, 6 और चौथे वाले में भी आपका 4, 5, 6, यानी क्या दे सकते हैं, तीन तरीका से ये भर सकते हो, तीन तरीका से इसको भर, इस डब्बा को भर सकते हैं, तीन तरीका से इस डब्बा को भर सकते हैं और तीन तरीका से इस डब्बा को भर सकते हैं। तो कुल तरीका कितने हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 3 का पावर 4 81, 3 3 9 3 27 3 81। सो सी जो आपका होगा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका आएगा 6 नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ तो बच्चे जहाँ तक 6 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए, ए बैग कंटेन 6 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। किसी थैले में 6 काला और 3 लाल गेंद हैं, उनमें से एक गेंद निकाला जाता है तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो ये एकदम बच्चा देखो सिंपल सा बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा लॉजिक के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बताइए प्रायिकता क्या लिखते हैं, किसी चीज किसी इवेंट का जो प्रायिकता लिखते हैं, पीई लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, ये लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल संभावनाओं की संख्या बटा कुल संभावनाओं की संख्या, हिंदी में से को यही बोलते हैं। तो किसी थैले में 6 काला गेंद है 3 लाल गेंद, उनमें से एक गेंद निकाला जाता है, उसके लाल होने की प्रायिकता क्या हो। तो बता लाल निकाला जाता है, लाल कितने गेंद है, 3 है, 3 में से एक गेंद निकालेंगे 3C1, कुल कितनी गेंद है 9, 9C1, 3C1 का मान कितना होता है 3, 9C1 का वैल्यू 9, 1/3। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसे ही समझ लीजिए कि एक थैले में 6 काला गेंद दिया हुआ, 3 लाल गेंद दिया हुआ, एक बॉल निकाला जाता, लाल क्या होगा 3/9, 1/3। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द पावर ऑफ एक्स फ्रॉम द 6th टर्म इन एक्सपेंशन, 4x/5 - 8/5x^9 के विस्तार में, छम्मा पद है ना, छम्मे पद एक्स में एक्स का घात क्या होगा। तो बताओ एक्स के घात यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है, आप यहाँ से बताइए कि लिखा हुआ क्या है, 4x/5 - 8/5x^9 कितना है आपका 9, तो इसमें से हमको निकाला 6th पद, 6th टर्म को लिख सकते हैं t5 plus 1, t5 plus 1 क्या होता है, ncr, r कितना है 5, 4x/5 n-r, n-r मतलब 9 - 5, 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा -8/5x^r मतलब 5। तो x का घात पूछा जा रहा कि क्या होगा, x का घात यहां से क्या निकलेगा, x^4, और इधर बगल से क्या निकलेगा, 1/x^5 है, तो x^4 क्या होगा -5, x^-1, x^4 क्या हो जाएगा -1, तो घात कितना हो गया -1। समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपका ये सूत्र होता है एनसीआर के फंड कंडीशन में, TR प्लस 1 का ये सूत्र होता है NCR x^n-r y^r। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं छठा पद को लिख सकते हैं ना, T6 को अगर हमको लिखना होगा तो T6 को क्या लिखेंगे, T5 plus 1, तो T5 plus 1 में NCR मतलब क्या होगा 9CR x^n-r, तो 4x/5 या 5 लिखा हुआ है, 4x/5 - 9 - 5, 4, और -8/5x^5। पूछा जा रहा है एक्स का घात क्या होगा, एक्स का पावर क्या होगा, तो एक्स का पावर यहां से 4 निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा -5, तो x^-1। सो द राइट आंसर इज क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, बी होगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। If A, then which of the following is the A inverse? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चे, याद रखोगे एक चीज, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, याद रखिएगा कि अगर A दिया हुआ तुम्हारा ABCD, तो A inverse डायरेक्ट निकालते हैं
ये अपने जगह पर वैल्यू क्या इंटरचेंज हो जाएगा, ए के जगह पर डी लिखा जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा ए, बी और सी अपने जगह पे ही रहता है लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस बी और ये माइनस सी। डी माइनस बी माइनस सी माइनस माइनस ये अपने जगह पे इंटरचेंज कर रहा था, ए के जगह पे डी चला जाएगा, बी डी के जगह पे ए आ जाएगा और बी और सी के साइन में क्या होगा, अपोजिट साइन होगा। लेकिन कंडीशन ये तभी निकालेंगे जब ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ सकता है ना, मतलब मैट्रिक्स जो तुम्हारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, अगर नॉन सिंगुलर है तभी उसका इन्वर्स निकल सकता है। तो मैट्रिसेस को नॉन सिंगुलर होना चाहिए हर हाल में, अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो इन्वर्स आपका नहीं निकलेगा। किसी इन्वर्स मैट्रिसेस अगर मान लो निकालना है मुझे, तो पहला कंडीशन है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हो गया तो वहाँ पे उसका वहाँ पे ये कंडीशन हम लोग लिख देंगे कि उसके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो यही लॉजिक को यहाँ पे, इसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो और तीन आपस में बदल जाएगा जगह, दो के जहाँ पे लिख देंगे तीन, तीन के जहाँ पे लिख देंगे दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस लग जाता है। सो तीन माइनस पाँच माइनस एक दो, तीन माइनस पाँच माइनस एक दो, कौन सा, तीन माइनस पाँच माइनस एक, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जगह यहाँ पे लिखा जाएगा तीन और यहाँ पे लिखा जाएगा दो और ये दोनों में साइन माइनस लग जाएगा। सो तीन माइनस पाँच माइनस एक दो, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे इन्वर्स निकालने के लिए दो बाय दो में, बहुत सिंपल सा लॉजिक है दो बाय दो का इन्वर्स निकालने के लिए, कि ये जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव है, मुख्य विकर्ण के जो अवयव है, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है, वो आपस में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज, ये इधर और ये वाला अपने पोजिशन पर वहीं रहेगा, जहां पे है वहीं पे रहेगा, लेकिन साइन क्या लग जाएगा आपका, माइनस। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए वन ए बी सी, वन बी सी ए, वन सी ए बी, इसका जो मान निकालना है कि क्या होगा, तो यहां से देखिए कैसे निकालोगे, सॉल्व कैसे करोगे, यहां से ऑपरेशन करेंगे कि आर वन को चेंज करोगे आर वन माइनस आर टू और R2 को चेंज करोगे R2 माइनस R3। अगर ऐसा करेंगे तो 1 माइनस वन क्या बन जाएगा, 0, A माइनस बी और BC माइनस CA करेंगे तो C कॉमन लेने से क्या बन जाएगा, ये B माइनस A होगा, फिर 1 माइनस वन 0, B माइनस C और इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, आप A ले सकते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, C माइनस B और नीचे में कोई बदलाव नहीं है, a माइनस बी कॉमन ले लो, r1 से कॉमन लेते हैं, पंक्ति 1 से a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, पंक्ति 2 से b माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, a माइनस बी, b माइनस सी, यहां क्या बचेगा आपका, 0 0 1 1, यहां माइनस सी, ये b माइनस सी कॉमन लिए 1, ये माइनस a और ये आपका c, ये ए बी है ना। अब इसके आगे अगर सॉल्व करना हो तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्या कर सकते हैं, इससे ऑपरेट कर दो है ना, इससे अगर ऑपरेट कर देंगे, इससे हम लोग खोल देंगे वैल्यू को, तो बताइए क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहां से अगर ऑपरेट करेंगे वन दिख रहा है तो ये हो जाएगा माइनस ए, यानी क्या लिख सकते हैं आंसर क्या आएगा आपका, a माइनस बी, बी माइनस सी और ये आपका आ जाएगा c माइनस ए। सो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ लो, यहां r1 को मैंने चेंज, r1 को मैंने क्या किया, r1 को चेंज कर दिया, r1 माइनस r2, r2 को चेंज कर दिया, r2 माइनस r3, इस कंडीशन सॉल्व किए, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा इस क्वेश्चन को है ना। फिर आपका जैसे ही सॉल्व करोगे आपके ये लॉजिक से आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू डायरेक्ट आपका आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन निकालना कि क्या होगा, तो याद रखिए यहां पे एक कंडीशन कि अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो x का जो वेरिएशन होता है वो कहां से कहां तक होता है, माइनस वन से लेकर वन तक। तो इस क्वेश्चन बताइए x है कितना, यहां पे 2x प्लस वन है, तो बताओ 2x प्लस वन
चेंजिंग करेगा वैल्यू ये कहां से कहां तक, माइनस एक से लेकर एक तक, वन को घटा देंगे तीनों साइड, अगर वन को घटा देंगे तो ये एक माइनस एक, माइनस एक क्या बन जाएगा माइनस दो जीरो। क्या करें बच्चे ध्यान दो यहां पे, समझो कि वन को मैं सबट्रैक्ट कर दिया इसमें से, इसमें भी से, इसमें भी से, मुझे एक्चुअली एक्स का वेरिएशन, प्रांत होता क्या है, अगर मुझे किसी चीज का प्रांत निकालना तो देखा जाता है कि एक्स का चेंजिंग कहां से कहां तक हो रहा। तो याद रखिए यहां पे ये कॉन्सेप्ट लगाया, यहां पे ये चीज कॉन्सेप्ट है कि अगर एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स दिया हो तो एक्स का डोमेन होता माइनस वन से वन, लेकिन एक्स रहता तब तो पहले मुझे एक्स बनाना पड़ेगा, एक्स है कितना यहां पे दिया हुआ टू एक्स प्लस वन, तो टू एक्स प्लस वन भी चेंज होगा माइनस वन से वन। सो अब वन को मैं घटा दिया तीनों साइड, इसमें से, इसमें से, इसमें से, तो टू एक्स कहां से कहां तक चेंज करेगा माइनस टू से जीरो तक, टू को अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन से बड़ा और जीरो बाय टू ये हो जाएगा वैल्यू। तो एक्स का आंसर क्या हो जाएगा माइनस एक से बड़ा जीरो से छोटा, माइनस एक से, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स। तो देखिए यहां पे e का पावर माइनस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स लिखा हो, यही क्वेश्चन है। तो e का पावर माइनस एक्स मतलब क्या हो गया 1 बाय एक्स, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय e का पावर x। अच्छा बताइए e का पावर x कैसा नंबर होगा, e का बारे में थोड़ा सा ग्राफ देखो, e का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, e का पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा, e का पावर x हमेशा कैसा नंबर होगा पॉजिटिव नंबर। तो आप बता सकते हैं e का पावर x हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, तो आप बताइए e एक पॉजिटिव नंबर का पावर अगर जीरो होगा, x टेंड्स टू यहां पे बता सकते हैं x और इन्फिनिटी है, x टेंड्स टू का इन्फिनिटी होगा तो बता सकते हैं ये इन्फिनिटी होगा, तो ये वैल्यू भी क्या है इन्फिनिटी को छुएगा, ये भी आपका इन्फिनिटी को टच करेगा, ये भी किसको छुएगा इन्फिनिटी को, और 1 बाय इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपका e का पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो e टू दी पावर देख सकते हो ना कि x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये इसका y वैल्यू भी जो रहा बढ़ रहा है, तो x जब इन्फिनिटी होगा तो e का पावर x भी इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, x जब इन्फिनिटी है तो e का पावर x भी इन्फिनिटी हो जाएगा। सो 1 बाय इन्फिनिटी किसको टच करेगा, ये किसको टेंस करेगा, आप बता सकते हैं कि 1 बाय इन्फिनिटी टेंस टू 0, 1 बाय इन्फिनिटी एक्चुअली 1 बाय इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0, 1 बाय एक्स जो होता है 1 बाय इन्फिनिटी जो होता है नॉट इक्वल टू 0, बट इसको अप्रोचिंग वैल्यू बोलेंगे टेंस टू, 1 बाय इन्फिनिटी टेंस टू 0। सो द राइट आंसर इज डी, डी आपके राइट आंसर होंगे, डी होगा सही आंसर, है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर एक्स इन्फिनिटी को टच करेगा तो ई का पावर एक्स भी इन्फिनिटी को छुएगा, इन्फिनिटी को टच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, सो 1 बाय इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा ये वैल्यू 0 को, सो द राइट आंसर इज डी। तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन से है, है ना, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डिफरेंशिएशन। अवकलन में लोग जो निकालते वैल्यू, अवकल सॉल्यूशन में क्वेश्चन में जो होता है उसी से सॉल्यूशन ये निकलेगा क्वेश्चन। तो एक सिंपल सा लॉजिक से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्चुअली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स माइनस वाई। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए रहते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं लॉग का यूज किया जाता है, किसका यूज करते हैं हम लोग लॉग का, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और लॉग ई का मान हो जाता है 1, है ना, किसका मान हो जाएगा 1 का। तो यहां से बताओ वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहां से बताइए y का जो मान आएगा वो कितना हो सकता है, x बाय 1 प्लस log x, y इज इक्वल टू x बाय 1 प्लस log x, ये मान आया। अब बस इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सो डीवाई बाई डीएक्स क्या लिखेंगे, x को रखोगे मान लो 1 प्लस log x को रखेंगे ऊपर, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, माइनस x को रखेंगे बाहर 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा 1 का 0, 1 का जो करेंगे वो 0 हो जाएगा, और log x का कितना होता है 1 बाय x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर।
तो बताइए 1 प्लस लॉग एक्स, अब माइनस ये कितना हो रहा है माइनस 1, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो आपका सीधा ऊपर सिर्फ क्या बच रहा है लॉग एक्स बचेगा और 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है ना। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, कौन से ऑप्शन सही दिख रहे हैं आपको, सी सी आएगा ना सही आंसर, सो सी द राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी लॉग एक्स बाय 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले लॉग लिए हम, लॉग लेने के बाद क्या बोल सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विथ बेस ई, तो ये वाई लॉग एक्स, वाई जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई बन जाता है, पावर जो होगा मल्टीप्लाई बन जाएगा वाई लॉग एक्स, एक्स माइनस वाई और लॉग यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं लॉग ई, बेस ई लेकर ले रहे हैं, इसका मान वन हो गया, सो वाई लॉग एक्स माइनस और वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे दोनों सेपरेट कर दी, वाई वाले टर्म को एक साथ, एक्स वाले टर्म को एक साथ, तो वाई बराबर क्या बन गया एक्स बाई वन प्लस लॉग एक्स, और उसके बाद सिंपल सा लॉजिक है ये, डिफ्रेंशिएट करने के बाद यू बाई वी वाला पढ़े होंगे आप, यू बाई वी का कंडीशन यूज किए कि वी को रखते बाहर यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस यू को रखते बाहर वी का डिफ्रेंशिएशन बाई वी का स्क्वायर, तो इस कंडीशन से आप यहाँ पे इसका आंसर बता सकते हैं सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 वाई इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। टी का वैल्यू जब 2 होगा तो इसका इस कंडीशन का ढाल क्या होगा, स्लोप क्या होगा, ढाल बोलते हैं उसको, स्पर्श रेखा का ढाल है ना, प्रवीणता भी बोला जाता है स्लोप को। सो डी वाई डी एक्स का मान क्या आएगा, तो यहाँ से बता सकते हैं कि डी वाई डी एक्स का जब मान निकालना हो मुझे तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, डी वाई डी एक्स को आप लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे बताइए, डी वाई डी टी, डी वाई बाई डी टी बाय डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी बताओ कितना लिख दोगे, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4t और 2t माइनस 2t का क्या हो जाएगा 2, 5 का तो 0 हो जाएगा, सो t स्क्वायर का 2t और 3t का क्या हो जाएगा 3, बस यही वैल्यू आ गया। सो डी वाई बाई डी एक्स का मान, डी वाई बाई डी एक्स का मान कब, जब t का मान कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ 2, तो 2 रख दो 4 दुनी 8, 8 में से 2 चल जाएगा तो 6, 2 दुनी 4, 4 और 3 7, 6 बटा 7 तो 6/7, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, अवकलन का अनुप्रयोग एक चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसी से ये पूछा जा रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन में स्लोप का वैल्यू क्या लिखते हैं। तो डी वाई एक्चुअली यहाँ पे एक्स जो है तुम्हारा टी का फंक्शन है, वाई भी आपका टी का फंक्शन दिया हुआ है, सो डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, तो आपका ये आसानी से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। सो द राइट आंसर इज सी, 6/7 इसका आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका समाकलन इंटीग्रेशन है ना, ये आपका अनिश्चित, एक होता निश्चित समाकलन एक होता अनिश्चित समाकलन, तो ये क्या अनिश्चित समाकलन है, निश्चित का बोलते हैं जब उसके ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दे दिया जाता है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर आपका बता दिया जाता है तो ये आपका निश्चित समाकलन हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो क्या है आपका अनिश्चित समाकलन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसको अगर हम लोग टी मान लेते हैं, ध्यान समझिए इसको किसको, लॉग एफ एक्स, अगर लॉग एफ एक्स को टी मान लोगे, लॉग एफ एक्स को अगर टी मान लेंगे, ये टी नहीं वाई चलो मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं मैं टी ही मानता हूं, चलो टी, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/fx, fx का क्या हुआ 1/f(x) dx इज इक्वल टू dt, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया dt बाई टी, dt बाई टी मतलब लॉग टी प्लस सी। अब टी किसको माने थे, लॉग fx को, तो यहां पर लिख दो लॉग log fx प्लस सी, तो log log fx प्लस सी, log log fx प्लस सी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यहां पे log fx को अगर t मान लोगे तो इसका ऑलरेडी इसका डिफरेंशिएशन उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, log fx को t मानेंगे तो 1/fx, fx का f(x) dx इक्वल टू dt, अब ये सारा चीज यहां पे लिखा हुआ है, देख लो ये सारा वैल्यू जो है ये क्या बन जाएगा आपका dt बन जाएगा, dt by t, dt by t मतलब क्या हो गया आपका, है ना, बता सकते हैं dt by t क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं dt by t का log t, तो log t plus c, और जो t जिसको माने थे वहां पर रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को, t किसको माने थे आप log fx को, तो log ऑफ log fx plus c, तो b आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 60 नंबर देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन किससे हो जाएगा आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन, क्वेश्चन किससे 60 नंबर डिफरेंट इंटीग्रेशन,
मतलब ये निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि इसके निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अगेन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी एक को टी मानेंगे तो उसका नीचे का डिफरेंशिएशन लिख रहा है, यहाँ पे आसानी से दिख रहा है। तो देखिए वही वाला क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स को अगर आप टी मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 + 1/1 + x² dx बराबर dt। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये क्या लिख देंगे इसको, t dt। अब ध्यान दीजिए एक चीज, जब आप जो चीज को माने हैं वैल्यू उस हिसाब से इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा। एक्चुअली ये लिमिट जो दिया वो x के, जब ये x पे चेंज कर रहा तब तो ये लिमिट 0 से 1 की दिया हुआ ना। अब मैंने यहाँ पे पूरे फंक्शन को x से बदलकर t में लिख दिए, पूरे x को फंक्शन को बदलकर t में लिख दिए, तो जब ये 0 रखोगे तो t का मान भी 0 आएगा। क्यों, tan इनवर्स 0 कितना आता है, 0 आता है। अब यहाँ पे बताइए कि जब x का मान 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4। तो 0 से π/4 t dt का इंटीग्रेशन कितना लिखते हैं बताइए, t dt का अगर इंटीग्रेशन मुझे लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, t²/2 0 से लेकर कहां तक, π/4 तक। तो π²/16 × 2 π²/32 π²/32। तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, π²/32। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इस सब्स्टिट्यूशन के कंडीशन से डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एरिया फॉर्म बाय द ट्राइंगल y = 2x, x का वैल्यू 0 से लेकर y = 2 तक है बाय इंटीग्रेशन मेथड। अब देखो इंटीग्रेशन मेथड लिख दिया, लेकिन इंटीग्रेशन के बिना ही सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो बिना इंटीग्रेशन के ही हेल्प से सॉल्व आप कर सकते हैं। y = 2x कैसा ग्राफ बनता है, कुछ ऐसा, y = 2 का लाइन ये y = 2 है और ये y = 2x है। तो बता सकते हैं ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, जब y का वैल्यू 2 लिखेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, तो 1, 2। मुझे एक्चुअली ये वाला एरिया निकालना है, तो सिंपल सा बात है, ये वाला, ये कितना लेंथ है आपका 2 और ये लेंथ कितना है आपका 1, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 × 2 × 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो बिना इंटीग्रेशन के मदद से ही, बिना इंटीग्रेशन के हेल्प से ही इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन बता सकते हैं। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 1 आ जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। y = 2x एक ऐसा लाइन बनेगा, y = 2 लिखोगे तो कैसा, y = 2 कैसा लाइन होता है, ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y = 2 कैसा लाइन होता है, एक ऐसा लाइन जो एक्स एक्स के समांतर हो। तो y = 2, अब देख सकते हैं पॉइंट आपका 1, 2 आएगा, तो 1, 2 मतलब ये लंबाई आपका 1 होगा और ये लंबाई 2 होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार अगर 2 मानेंगे तो ऊंचाई कितना 1 है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपके 1 स्क्वायर यूनिट। सो द राइट आंसर इज सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = 4 − y², इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो बच्चे देखिए ध्यान से, dy/dx = 4 − y² सेपरेबल वेरिएबल मतलब कि एक वेरिएबल को एक साथ कर देंगे फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो y वाले को एक साथ ले जाओ, सारे y वाले को एक साथ लिख देते हैं। सो dy/4 − y² = dx, ये एक सिंपल डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे ही बन गया। ये 4 − y² क्या बन जाता है, sin inverse y/2 = x + c। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर ही आ गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि कौन से आंसर इसके आ जाएंगे, sin inverse y/2 = x + c, ऑप्शन नंबर सी है ना। तो इस क्वेश्चन का ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन ये आ गया, सी जो वैल्यू आ गया आपका sin inverse y/2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आपका किससे है, हाउस ऑफ ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन देखो ये आपको बनाने से पहले थोड़ा सा तुरंत सोचिएगा जरूर कि सॉल्व करने से पहले, आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बनाने में, है ना। तो इसको बनाने से पहले आप एक मिनट सोच लीजिए कि क्या करना है, एक मिनट नहीं, 2 सेकंड 5 सेकंड सोच लीजिए कि क्वेश्चन को किस तरीका से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो मेथड है कि एंगल का वैल्यू रखने के बाद आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कि कोई भी मान रख लेते हैं और उस मान पे ये वैल्यू ऑप्शन पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। लेकिन उससे आसानी से आप वैल्यू भी बता सकते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ किस तरीका से, ध्यान समझिए, cot x जो लिखा हुआ है उसको रहने देते हैं, cot x ही प्लस cosec x या cosec a लिखा हुआ है ना, cosec a, ये भी a लिखा हुआ है, और ये तुम्हारा माइनस
वन है, वन को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और नीचे जो लिखा हुआ है उसको मैं उसे ही तरीका से छोड़ दिया। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया तुम्हारा बताओ, कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये, इसको क्या लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे जो आपको लिखा हो डिनोमिनेटर वही लिख दीजिए जो लिखा हो नीचे। इससे क्या बेनिफिट होगा आप देखिए, मेरा डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, कॉसेक प्लस कॉट ए को कॉमन ले लो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को जैसे ही कॉमन लेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को जैसे ही कॉमन लोगे, अब ध्यान से देखिए यहां पे क्या बचेगा, एक बचेगा, ये उल्टा साइन हो जाएगा यहां पे, यहां पे क्या लिख देंगे इसको बताइए, माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए, अब ब्रैकेट में नीचे बताइए कि क्या लिखा हुआ है, नीचे देख के बताओ कि क्या लिखते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कितना वैल्यू दिया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, यहां पे कितना लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, बताइए मुझे दोनों वैल्यू वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है ना वैल्यू, ये वाला पूरा जो वैल्यू इसके साथ नीचे के साथ कट जाएगा, आपका डायरेक्ट कितना लिख देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, सो इसका राइट आंसर आपका कितना लिख देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऑप्शन नंबर ए है ना। बहुत सिंपल सा कंडीशन था, मैंने क्या किया फिर से मैं समझा रहा हूं एक बार, आप जल्दी से इसको देख लीजिए, एक्चुअली जो वन लिखा हुआ है इस वन को मैंने लिख सकता हूँ ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो यहां से बता सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, या कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लिए, यहां से एक बचेगा और ये जो ऊपर जो वैल्यू आएगा वो नीचे के साथ कैंसिल हो जाएगा है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन नंबर 20, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स का मान इसमें से क्या आएगा, तो बताइए ध्यान से क्या ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स को आप मान लीजिए थीटा, क्या मान ले रहे हैं थीटा, तो एक्स बराबर कितना आएगा साइन थीटा, अगर साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा मान लिया तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा साइन थीटा, अब मुझे किसका मान चाहिए, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने थे ना, मुझे किसका मान चाहिए कॉस ऑफ 2 थीटा है ना, जब इसको आप थीटा मान लिए तो 2 थीटा हो जाएगा ना कॉस ऑफ 2 थीटा, अब बताइए कॉस ऑफ 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन थीटा को x माने तो x स्क्वायर हो जाएगा ना ये, सो 1 माइनस 2 x स्क्वायर, 1 माइनस 2 x स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल बहुत सरल क्वेश्चन था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो अंदर वाले को मैंने यहां पे थीटा मान लिया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए तो साइन इनवर्स को जैसे थीटा माने एक्स क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा बन जाएगा, अब एक्स साइन थीटा बन गया, मुझे किसका मान चाहिए कॉस 2 थीटा का, क्योंकि जब इसको थीटा माने तो 2 थीटा का, अब कॉस का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा के बारे में मुझे पता है कि क्या लिखते हैं साइन थीटा, यहां पे एक्स ला चुके हैं, सो द राइट आंसर इज 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो 20 का जो आंसर होगा आपका बी होगा राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो देखो बच्चे ये जो मॉडल पेपर है आप बहुत अच्छे से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस तरीका से ऑफलाइन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें का मेथड के साथ समझाया जाएगा, डाउट काउंटर के साथ साथ आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाएगा, तो हम लोग ये मॉक पेपर करवा रहे हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम आपके हैं नेवी के, नेवी SSR का और बाकी जो NDA के एग्जाम होने वाले हैं नवंबर में, वो सारी चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं डे बाय डे, एक एक दिन बीच करके, कभी एयरफोर्स का, कभी नेवी का, तो कभी NDA का, मतलब एक अंतराल में हम लोग सारे मॉक पेपर को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर आपको अगर अच्छे तैयारी करना है गाइडलाइन लेना तो एक बार कैंपस विजिट कीजिए और आप इसको समझिए कि किस तरीका से हम लोग यहाँ पे काम किया जा रहा है, किस तरीका से तैयारी किया जाता है, प्रॉपर और कंप्लीट प्रिपरेशन आपको किया जाएगा, तो आप एक बार विजिट कीजिए है ना, ऑफलाइन प्रोग्राम आपका ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बच्चे यहाँ देखो 21 नंबर क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस लाइज ऑन द लाइन,
तो दो पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो बताइए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा। मान लेते एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट मान लेते हैं पी दिया हुआ है। अब पी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है, तो बताइए ए ए कितना दिया हुआ, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ, ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ आपका, बी का कोऑर्डिनेट दिया माइनस ए कॉमा बी। तो बताओ अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, ए प्लस बी माइनस ए, ए प्लस बी माइनस ए बाई टू, तो कितना हो जाएगा ये बी बाई टू। उसी तरीका से बीटा जब लिखेंगे तो वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, सो ए माइनस बी प्लस बी बाई टू, ये कितना हो जाएगा आपका ए बाई टू। तो अल्फा और बीटा इस लाइन पे एग्जिस्ट, इस लाइन पे आपका वैल्यू है, ये दोनों दोनों आपके इस रेखा पे, दोनों दोनों इस रेखा पे है, कौन से रेखा पे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के। तो अल्फा बीटा भी इस लाइन पे होगा क्योंकि इस लाइन पे आपका मिड पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एक्स यहाँ पे अल्फा बी वाई के यहाँ पे बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू के, अल्फा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए, बी बाई टू, तो ए बी बाई टू, और ये भी हो जाएगा बी ए मतलब ए बी बाई टू इज इक्वल टू के, सो ए बी बाई टू प्लस ए बी बाई टू ए बी, इसका मतलब के का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा ए बी, के का जो मान आएगा वो ए बी आ जाएगा, सो सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा लॉजिक है कि ए और बी दो एंड पॉइंट दिए हुए, तो दोनों का जो मध्य बिंदु है वो पी है, उसको अल्फा बीटा मान लिया, अल्फा का कोऑर्डिनेट कितना होगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू सो बी बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू ए बाई टू, और अल्फा बीटा दोनों इस लाइन पे होगा, तो अल्फा बीटा दोनों इस लाइन पे होगा, इसका मतलब एक्स के जहाँ पे मैं अल्फा रख सकता हूँ और बी के जहाँ पे वाई के जहाँ पे क्या रख सकता हूँ बीटा रख सकता हूँ। अब दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख दिए तो के का जो मान आएगा वो ए बी प्लस ए बी बाई टू प्लस ए बी बाई टू, तो के का जो मान आपका आएगा ए बी आएगा, सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए ये किसी एक पॉइंट का पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, पोलर फॉर्म में दिया हुआ है वैल्यू, आप पूछा जा रहा है किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा, तो एंगल पहले बताइए डिग्री में कितना एंगल हो जाएगा, ये 4 पाई बाय 5 को जगह हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो ये कितना लिखेंगे इसका वैल्यू 4 इंटू 180 बाय पाई, तो 4 गुना 4 गुना 36 है ना, एक्चुअली 180 बटा 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 36 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपका होगा 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 चढ़ती है 12 और 2 14 144 144 डिग्री। तो बताइए ध्यान से समझो 90 ये 180 तो 144 कहीं ना कहीं बीच में ही होगा ना ये वैल्यू, आपका ये पूरा कंप्लीट यहां से यहां था 180 डिग्री 144 डिग्री यहीं पे होगा, और ये लंबाई जो दिया हुआ है ये लंबाई 5 है, तो बताइए ये पॉइंट कौन से चतुर्थांश में दिया हुआ है, किस क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सो बी इज द राइट आंसर है ना। आपका एंगल जो बन रहा है 144 डिग्री एंगल कहां पे बनेगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में, सो द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 23, रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, पहले इक्वेशन को आप सही लिखिए, पहले इक्वेशन को जब भी आपको लिखना होगा तो प्रॉपर फॉर्म में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशियंट को वन करते हैं, दोनों के गुणांक को एक बनाते हैं, तो दोनों के गुणांक को अगर एक बनाएंगे तो आप बता सकते हैं इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4 बाय 5x माइनस 8 बाय 5y और इज इक्वल टू, या माइनस लिख सकते हैं 16/5 0। बता 2g इक्वल टू दिया 5/4 तो g बराबर कितना लिखेंगे, 2g दिया हुआ तुम्हारा 4/5 तो g बराबर कितना हो जाएगा 2/5, 2f बराबर दिया -8/5 तो f बराबर कितना हो जाएगा -4/5 और c इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है आपका -16/5 ठीक है। तो अब बताइए यहां से जब रेडियस निकालते हैं तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा 4/4/25 16/25 और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 16/5 तो इसको सॉल्व करेंगे कितना लिखेंगे 20 बटा 25
बीस बटा पच्चीस मतलब पाँच चौक बीस, पचे पच्चीस, चार सोलह चार बीस, बीस बटा पाँच चार। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका सॉल्यूशन आपका फोर आएगा, तो फोर आर स्क्वायर का वैल्यू फोर आया है ना, आर स्क्वायर का रेडियस का स्क्वायर अगर फोर आया तो रेडियस किसके इक्वल होगा, दो के इक्वल होगा है ना। रेडियस स्क्वायर आपका दिया हुआ है फोर, तो रेडियस स्क्वायर अगर फोर है तो रेडियस किसके इक्वल होगा, दो के इक्वल होगा, क्योंकि चार का वर्गमूल कितना होता है दो। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में एंगल बताना है। तो देखो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, ए प्लस बी दिया हुआ है आपका वैल्यू, ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूं माइनस सी, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए कितना दिया हुआ था तीन, ये हो जाएगा नौ, बी स्क्वायर हो गया आपका पच्चीस प्लस पंक्ति या पंद्रह दोनों तीस, थर्टी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर मतलब उनचास, सो 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू, जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा इसका वैल्यू, उनचास माइनस 34 करेंगे तो कितना 15 आएगा, सो कॉस थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे आपका 15 बटा 30 एक बटा दो, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, सो थीटा इज द 60 डिग्री है ना। यहाँ पे जब भी ए और बी के बीच में अगर एंगल पूछा जाए तो ए और बी को एक साथ लिख दोगे, सी को छोड़ दोगे अलग। अगर पूछा जाता बी और सी के बीच में एंगल क्या होगा तो बी और सी को एक साथ रखते ए को उधर ले जाते, अगर पूछा जाता ए और सी के बीच में एंगल क्या होगा तो ए और सी को एक साथ रखते और बी को उधर ले जाते और दोनों साइड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करने से ये फॉर्मूला बन जाएगा, डायरेक्ट आपका थीटा का जो मान आएगा वो निकल जाएगा, सो द कॉस थीटा इज 1/2, तो थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन देखते, लास्ट क्वेश्चन ये 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये आपका क्वेश्चन किस तरह स्टैटिक्स से, द एम ऑफ 9 टर्म्स इज 15, इफ वन मोर टर्म्स इज एडेड टू दिस सीरीज देन द एम बिकम्स 16, द वैल्यू ऑफ एडेड टर्म इज, 9 पदों मतलब 9 पदों का अर्थमेटिक जो माध्य दिया हुआ है वो तुम्हारा 15 दिया हुआ है, और यदि एक और पद जोड़ दिया जाए तो अर्थमेटिक माध्य जो होता है 16 हो जाता है, तो जोड़ा गया पद क्या होगा। तो देखो 9 पदों का एम क्या दिया हुआ, 15, तो ध्यान समझिए कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 9 टर्म्स इज 15, तो यहां से बोल सकते हैं ना कि 9 टर्म्स का जो समेशन होगा योगफल होगा कितना हो जाएगा, 9 गुना 15 हो जाएगा, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x9 अगर निकालेंगे इसका जो माध्य दिया हुआ है बाय 9, ये कितना दिया हुआ आपका 15 दिया हुआ, तो ये बताइए कि x1 प्लस x2 से लेकर x9 का जो एडिशन योगफल निकालेंगे 15 गुना 9 हो जाएगा 135 हो जाएगा है ना। तो 16वां टर्म क्या होगा, तो बता सकते हैं कि x1 प्लस x2 से लेकर x9 और प्लस x10 बटा 10 से अब ये निकल जा रहा तुम्हारा कितना वैल्यू 16, तो बताइए यहां से यहां तक मान अभी ला चुके थे ना 135 प्लस इसका मान निकाला जा रहा है 10, 16 गुना 10 160, तो x10 का जो मान आएगा कितना हो जाएगा बताइए 40 25 सी। इसको आप सिंपल इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो बहुत और भी मेथड है इसको बनाने का, और इस तरीका से भी इसको बता सकते हैं कि आपका 9 × 15 प्लस x10 बाय वो उसी वैल्यू को मैं लिख दे रहा हूँ नीचे 10 और ये दिया हुआ 16, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x10 का जो मान आएगा वो 25 आएगा। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा 25, तो ये आपका 2525 क्वेश्चन जो मैं था टोटल सॉल्व कर दिया, आई होप आपको समझ में आ गया और ये बेनिफिशियल होगा आपका आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए थैंक यू, अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, टॉप काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ, आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर, और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।
जय इंडिया स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आपका नेवी का मॉडल पेपर इंग्लिश का, और साथ ही साथ ये भी आप लोग समझिए कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो लेट्स सी। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, ज्यादातर आप देखेंगे कि आपको ज्यादातर प्रेपोजिशन, वर्ड पार और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ पोर्शन मिलते हैं। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर, और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो आप लोग आइडिया लीजिए इसमें क्या होना चाहिए। He will impart no information .anyone। सबसे जरूरी जो चीज होती है वो ये होती है कि सबसे पहले आप अर्थ निकालें। कोई भी सेंटेंस लिखा है तो सबसे पहले आप उसकी मीनिंग जानें, और अगर आप मीनिंग नहीं जानते तो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा कि इसमें क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। He will impart। Impart means होता है कोई चीज देना, जैसे किसी को नॉलेज देंगे, किसी को इंफॉर्मेशन देंगे, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, किसी को सूचना दे रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड जो होता है वो impart वर्ड होता है। और impart के साथ आपका जो प्रेपोजिशन जो चलता है ना, वो क्या चलता है, टू चलता है। और प्रेपोजिशन एक ऐसी चीज होती है जो स्टूडेंट्स को अक्सर परेशान करती है, और आपके एग्जामिनेशन में प्रेपोजिशन से कई क्वेश्चन मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखेंगे तो कई क्वेश्चंस आपको प्रेपोजिशन पर मिलते हैं। स्पॉटिंग द एरर्स में भी आपको प्रेपोजिशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ही विल इंपार्ट नो इन्फॉर्मेशन, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा टू एनीवन, किसी को भी। तो हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन। तो इंपार्ट वर्ड याद रखिएगा आप लोग, दैट्स वेरी नाइस वर्ड, काफी अच्छा वर्ड है। और इंपार्ट के साथ आपका प्रेपोजिशन जो लगेगा वो टू चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लीजिए और समझने की कोशिश करें क्या लिखा हुआ है। ही वॉज by nature and so avoided all company। आप वीडियो को पॉज कर दिया करें, वीडियो को आप रोक कर भी समझ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इसमें क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मीनिंग समझना है। ही वॉज वो था, by nature means स्वभाव से, and so इस वजह से avoided, avoided means होता है एक तरीके से आप उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आते, अवॉइड करना, बचना। ऑल कंपनी, कंपनी मीन्स होता है साथ, संगति, सारे संगति से वो बचता है। अब यहां पर आपकी चार मीनिंग लगी हुई है। एंटी सोशल, या बहुत से लोग इसको एंटी सोशल भी बोलते हैं, और एंटी सोशल मीन्स होता है असामाजिक। असामाजिक तत्व तो आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे आदमी बोलता है यू आर एंटी सोशल, या एंटी सोशल भी बोल सकते हैं, जो समाज के खिलाफ हो, असामाजिक कह सकते हैं। टिमिड मीन्स कायर। कॉर्डियल, कॉर्डियल मीन्स होता है बहुत ही फ्रेंडली, जैसे आपने कहा यू आर वेरी कॉर्डियल, आप बहुत ही कॉर्डियल हैं, तो कॉर्डियल मीन्स होता है फ्रेंडली। और ग्रीगेरियस मीन्स भी फ्रेंडली होता है। ग्रीगेरियस अक्सर आप लोग देखेंगे जानवर के लिए लगता है, जो जानवर ग्रुप में रहते हैं, जैसे शीप है, गोट है, तो ऐसे जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस, बहुत ही मिलनसार, जो झुंड में रहे। और कॉर्डियल मीन्स होता है फ्रेंडली, और टिमिड मीन्स कायर, और एंटी सोशल मीन्स जो समाज के खिलाफ हो। तो आपको आइडिया मिला होगा क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ही वॉज वो था बाय नेचर, स्वभाव से, एंड सो और इस वजह से अवॉइडेड, वो अवॉइड कर रहा है मतलब बच रहा है, ऑल कंपनी सारे साथ से वो बच रहा है, संगति से बच रहा है। तो ग्रीगेरियस और कॉर्डियल तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रीगेरियस इंसान और कॉर्डियल इंसान ग्रुप में रहता है, समाज में रहता है, तो यहां पर ये दोनों तो नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, या तो आप बोले एंटी सोशल, और एंटी सोशल क्या होता है, अब देखिए अगर आप ये भरेंगे ही वॉज एंटी सोशल बाय नेचर, तो नेचर से वो एंटी सोशल है या एंटी सोशल है, इस वजह से वो अवॉइडेड ऑल कंपनी, वो सारे संगति से बच रहा है, साथ से बच रहा है, या ही वॉज टिमिड बाय नेचर, या आप ये बोलेंगे कि वो कायर है नेचर से, इस वजह से वो सारे संगति से बचता है, लोगों से बचता है। तो हमारा सूटेबल जो होगा वर्ड वो कौन सा होगा, टिमिड होगा।
क्लियर हो ना। देखिए कभी कभी क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपकी मेमोरी में कि यहां पर एंटाइल सोशल क्यों नहीं हो सकता, टिमिड क्यों नहीं हो सकता। तो थोड़ा जब आप डिटेल में जाएंगे ना, उसके डेप्थ में जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, एंटाइल सोशल मीन्स होता है समाज के खिलाफ, तो वो नेचर नहीं होता, वो इंसान का वो नेचर नहीं होता, वो तो हम समाज से गेन करते हैं ना, समाज से वो हम लेते हैं, वो नेचर से नहीं मिलता है। बाय बर्थ हम लोग नहीं होते एंटी सोशल या एंटी सोशल, चाहे जो पढ़े, हम लोग टिमिड हो सकते, कायर हो सकते, इंसान कायर होता है जन्म से, मतलब उसका नेचर ही ऐसा होता है। तो यहां पर नेचर की बात की गई है, तो कौन सा होना चाहिए, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आया, फिल इन द ब्लैंक से। हार्डली के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। हार्डली मींस क्या होता है, लगभग ना के बराबर, मुश्किल से ही मींस होता है लगभग ना के बराबर। कभी भी हार्डली का सेंस ये मत समझिएगा, हार्डली अगर किसी ने बोला बड़े मुश्किल से, तो ये मत समझिएगा कि बड़ी मेहनत के साथ। हार्डली मींस ऑलमोस्ट निल, लगभग जीरो, लगभग ना के बराबर। आई कुड हार्डली रिकग्नाइज हिम, मतलब मैं मुश्किल से उसको रिकग्नाइज कर सका, मतलब पहचान सका, मतलब लगभग ना के बराबर मैं उसको पहचान सका। क्लियर नहीं हूं कि कौन है इंसान, ऐसा ही मैंने उसे देखा। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है ना कि आपके टिप ऑफ योर टंग, आपकी जबान पर वो वर्ड आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए आप मीनिंग निकालिए, ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, आई कुड हार्डली रिकग्नाइज हिम, मैं उसको मुश्किल से ही पहचान सका, लगभग ना के बराबर पहचान सका, ऐसा ही जब मैंने उसे देखा। देखिए कितना सूटेबल है, आफ्टर, आफ्टर तो लगाएंगे नहीं, बट लेकिन मैंने उसको देखा, एंड और मैंने उसको देखा, या ये बोलेंगे जब मैंने उसको देखा, जब मैंने उसको देखा तब मैं उसको मुश्किल से ही पहचान सका, मींस क्लियर नहीं पहचान सका, पूरी तरीके से मैं नहीं पहचान सका। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेन, ये क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स का ही है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा, वी हैड मनी, हम लोगों के पास पैसा लेफ्ट बचा था, सो वी वेंट आउट, इस वजह से हम लोग गए आउट, बाहर गए, फॉर अ मील, मील करने का मतलब भोजन के लिए, खाने के लिए। वी डिसाइडेड, हम लोगों ने डिसाइड किया, टू एबेंडन, एबेंडन मीन्स त्यागना, छोड़ देना, आर ट्रिप, अपनी यात्रा को, एज जैसे कि वी हैड मनी लेफ्ट, वी हैड मनी लेफ्ट, हमारे पास पैसा बचा, लेफ्ट मीन्स बचा हुआ। तो आप लोग आइडिया लीजिए इसमें क्या होना चाहिए। आप लोगों ने डेफिनेटली नाम सुना होगा, लिटिल आ लिटिल, फ्यू आ फ्यू, और द भी सुना होगा, द फ्यू, द लिटिल भी सुना होगा। चलिए मैं आपको जल्दी से समझा दे रहा हूं उसके बारे में। देखिए लिटिल, फिर उसके बाद एक होता है आ लिटिल, बस दो ही से काम चल जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या होता है, फ्यू, आप इसी तरीके से क्या होता है, आ फ्यू। लेट्स सी, देखिए लिटिल मीन्स ना के बराबर, लिटिल मीन्स छोटे भी होते हैं नो डाउट, जैसे लिटिल चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको भी हम लिटिल बोलते हैं। लेकिन लिटिल मीन्स एक और अर्थ होता है, ना के बराबर, जो एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, लिटिल ना के बराबर, आ लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत, ना के बराबर से सेंस ये हुआ कि उससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर पैसा है, मीन्स कि मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई चीज खरीद नहीं सकता हूं। और आ लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मीन्स जिससे काम चल जाएगा। तो ये आपकी पॉजिटिव मीनिंग देगी या आपकी नेगेटिव मीनिंग देगी। सिमिलरली इसी तरीके से फ्यू मीन्स ना के बराबर, जिससे आपका काम नहीं चलेगा, और अ फ्यू मीन्स थोड़ा बहुत, जिससे आपका काम चल जाएगा। फिर से समझिए, लिटिल मीन्स ना के बराबर, जिससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा, अ लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत, काम चला देगा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे फ्यू ना के बराबर, और बहुत सारे लड़के तो फ्यू को कैसे मानते हैं, फ्यू मीन्स उनके अकॉर्डिंग होता है, फ्यू मीन्स कुछ, ऐसा मत करिएगा, फ्यू मीन्स ना के बराबर और आ फ्यू मीन्स थोड़ा बहुत। तो ये दोनों वर्ड जो होते हैं हमारे कहां लगते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन मीन्स जिसको हम गिन लेते हैं एक दो तीन चार करके। और ये दोनों कहां पर लगेंगे हमारे, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल मीन्स जिसको हम नहीं गिन पाएंगे। अब इसमें देखिए मनी दोनों तरफ आ रहा, मनी मनी याद रखिएगा अनकाउंटेबल है, हमेशा याद रखिएगा, दैट इज योर अनकाउंटेबल नाउन, इज इट क्लियर। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, ये तो लेगा नहीं, या तो लिटिल आ लिटिल लेगा, या ये लेगा, या ये लेगा, एक ऑप्शन तो चला गया। अब यहां पर समझिए, आ लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत, लिटिल मीन्स ना के बराबर, आ लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत, आ लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत, लिटिल मीन्स ना के बराबर, आ लिटिल मीन्स थोड़ा बहुत, यही मीनिंग निकाली ना। तो चलिए लेट्स सी, वी हैड हमारे पास था मनी, पैसा लेफ्ट बचा हुआ था, सो वी वेंट आउट, इस वजह से हम लोग बाहर गए, फॉर अ मील, खाना खाने।
तो थोड़ा बहुत पैसा होगा ना, थोड़ा बहुत पैसा होगा तभी तो खाने के लिए बाहर निकले ना, ना के बराबर पैसा होता तो खाने के लिए बाहर ही ना निकलते। वी डिसाइडेड, हम लोगों ने डिसाइड किया टू अबैंडन आवर ट्रिप, कि हम अपनी यात्रा को अबैंडन कर देंगे, छोड़ देंगे। एज जैसे कि वी हैड मनी लेफ्ट, हमारे पास पैसा बचा, तो यहाँ पर ना के बराबर, तभी तो यात्रा को क्या करेंगे, अबैंडन करेंगे। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ऊपर वाले में आ होना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यही वाला होगा ना, आ लिटिल, और लास्ट में लिटिल आएगा। अच्छा ये तो नहीं लेंगे आ लिटिल, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें यात्रा को अबैंडन कर दिया क्योंकि हमारे पास ना के बराबर पैसा था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपके कमिंग एग्जामिनेशन में मे बी लिटिल आ लिटिल फ्यू आ फ्यू का कुछ ना कुछ टच जरूर मिलेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर इससे मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपके नेवी में बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, बस आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करा सकता है, एमकेसी। और अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करेंगे तो ऑफलाइन बैचेस आर बेटर देन ऑनलाइन बैचेस, आपके ऑफलाइन बैचेस जो होते वो ज्यादा अच्छे होते, किसके कंपैरिजन में, ऑनलाइन के कंपैरिजन में। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम को वेस्ट मत करिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए ताकि एक माहौल मिल सके, एक आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। देखिए यहां पर क्या लिखा है, आई विल हैव ऑन योर ओपिनियन इन दिस मैटर, आई विल हैव टू, मुझे करना होगा ऑन योर ओपिनियन, तुम्हारे राय पर, इन दिस मैटर, इस मामले में। चार ऑप्शन है, रिलाय, ब्लेव, स्टैंड, फॉलो। और यहां पर देखिए एक चीज, यहां पर यह चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑन, तो यहां पर मीनिंग क्या निकलेगी, रिलाय मीन्स भरोसा करना, ब्लेव मीन्स विश्वास करना, स्टैंड मीन्स खड़े होना। अच्छा खड़े होने का तो सेंस नहीं निकलेगा कि मुझे तुम्हारे राय पर खड़ा होना है, तो स्टैंड तो बिल्कुल से बेकार है। फॉलो ऑन योर ओपिनियन, फॉलो के साथ प्रीपोजिशन ऑन तो लगता नहीं है, जैसे इंसान ने कहा आई फॉलो योर एडवाइस, मैं आपकी एडवाइस को फॉलो करता हूं, मतलब उसको मानता हूं, तो फॉलो के साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन हम लोग नहीं लेते हैं। तो देखिए प्रीपोजिशन कितना खतरनाक आपके लिए साबित हो रहा है, प्रीपोजिशन का अगर नॉलेज है ना तो बहुत ही कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, दो चीज तो हट गई। अच्छा बिलीव के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है, आप लोगों ने सुना होगा आई बिलीव इन यू, नहीं बोलता आदमी, आई बिलीव इन यू, मैं आप में विश्वास करता हूं, तो बिलीव भी हट गया। और रिलाय के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगता है डियर, रिलाय ऑन, और इसका मतलब क्या होता है, भरोसा करना। और रिलायंस से आप कहां पर भरोसा करते हैं, रिलायंस कंपनी में भरोसा करते हैं ना, रिलायंस कंपनी, उसी का जियो इस्तेमाल करते हैं, रिलायंस, रिलाय वर्ड से क्या बना, रिलायंस, और रिलायंस मीन्स भरोसा ही होता है। तो चलिए यहां पर क्लियर हो गया कौन सा होना चाहिए, रिलाय। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर क्या आ रहा है, स्पॉटिंग द एरर, स्पॉटिंग एरर्स, और स्पॉटिंग एरर्स आप तभी कर पाएंगे जब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छा होगा, आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस होगी, विदाउट प्रैक्टिस आप किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक कर ही नहीं सकते हैं, नॉलेज चाहे जितना हो, यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एज वेल, आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस भी चाहिए। देखिए अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, मेरे राय के अनुसार, शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, अब डिसाइड करें। अगर आपको लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है तो ए पर, अगर आपको लग रहा है शी इज द बेस्ट इसमें प्रॉब्लम है तो बी माना जाएगा, अगर आपको लग रहा है कैंडिडेट फॉर द जॉब तो सी में लगा दीजिए, अगर आपको लग रहा है बिल्कुल सब कुछ सही है तो आप क्या लगाइए, नो एरर। अच्छा यहां पर मैं डी बना दे रहा हूं, डी मिस हो गया है, तो चलिए मैं समझाता हूं, आप लोगों ने आइडिया ले लिया होगा, वीडियो को रोक भी दिया करें, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को स्टॉप कर दिया करें, सोचा करें, ओके। चलिए मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे अकॉर्डिंग टू आप लोगों ने सुना होगा, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ प्रीपोजिशन टू लगता ही है ना, अकॉर्डिंग टू, तो देखिए अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, तो हम ऐसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मोहन, अकॉर्डिंग टू जॉन, अकॉर्डिंग टू टॉम, अकॉर्डिंग टू माई फादर, मतलब दूसरे के लिए आप अकॉर्डिंग टू लगाएंगे, और जब आपकी अपनी राय होगी तो अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलिएगा, यहां पर ही गलत हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अपने लिए अकॉर्डिंग नहीं लगाइएगा आप, इसकी जगह बोलिएगा इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, मेरे राय के अनुसार नहीं, मेरी राय में, मेरी राय में हिंदी में बोलते हैं ना, अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं लोग, मेरे राय के अनुसार तुम बहुत अच्छे हो, ये नहीं बोलेंगे, मेरी राय में तुम बहुत अच्छे हो, तो अकॉर्डिंग टू दूसरे के लिए लगाइए, अकॉर्डिंग टू मोहन, अकॉर्डिंग टू श्याम, अकॉर्डिंग टू जॉन, अकॉर्डिंग टू यू, दूसरे के लिए अकॉर्डिंग टू लगाइए, अपने लिए क्या बोलिएगा, इन माई ओपिनियन,
क्या बोलिएगा, इन माय ओपिनियन, और ओपिनियन मींस क्या होता है, राय। तो यहां पर कौन सा पोर्शन गलत है, ए पोर्शन, ये ए पोर्शन। तो करेक्ट क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन की जगह इन माय ओपिनियन, मेरी राय में सी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, वो जॉब के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। और सुपरलेटिव डिग्री से आर्टिकल दा लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में तो दा भी लगा हुआ है, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। समझ में आ गया होगा आई होप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अब आगे क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन ये भी नॉर्मल सा है, टेंस से रिलेटेड है। ही इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट व्हेन हिज कंप्यूटर क्रैश्ड, वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जब उसका कंप्यूटर क्रैश्ड हुआ। बैलेंस नहीं बन रहा ना, बैलेंस बनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जब उसका कंप्यूटर क्रैश्ड हो गया। मतलब क्रैश्ड होने का मींस होता है ना, जैसे कोई चीज क्रैश हो जाती है, टूट जाती है, बंद हो जाती है, एरोप्लेन क्रैश हो गया, बहुत सुना होगा। तो यहां पर देखिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हिज कंप्यूटर क्रैश्ड, ये देखिए क्रैश्ड पास्ट है ना, यहां पर प्रेजेंट है, बैलेंस ही नहीं बन पाएगा। तो यहां हम इसको क्या करेंगे, पास्ट में ले जाएंगे। He was working on his project. वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था when his computer crashed. जब उसका कंप्यूटर क्रैश्ड हो गया। अब सही लग रहा है, ये बोलने पर अच्छा नहीं लगेगा, वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जब उसका कंप्यूटर क्रैश हुआ, अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो वहां पर was होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए आपका synonym, synonym समझते हैं, पर्यायवाची, मिलता जुलता, डिसाइड करिए आप लोग। ट्रांजियंट वर्ड है, अब मीनिंग तो पता होनी चाहिए, इरेगुलर, टेम्पोरारी, एफिमेरल, अनस्टेबल। और ट्रांजियंट मीन्स क्या होता है, क्षणिक, पल भर के लिए कोई चीज हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजियंट, क्षणिक, क्षणिक मीन्स समझते हैं ना, पल भर के लिए। इरेगुलर होना चाहिए, नहीं, इरेगुलर अनियमित होता है। टेम्पोरारी अस्थायी, जो स्थायी ना हो, हल्का फुल्का मैच कर सकता है, लेकिन और देखते हैं। एफिमेरल, एफिमेरल मीन्स भी क्षणिक होता है। और अनस्टेबल अस्थिर, अनस्टेबल मीन्स अस्थिर, लिखते चलिएगा, जो चीज स्थिर ना हो, दैट इज नॉट फिक्स्ड। तो होता क्या है कि जब आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसका सिनोनिम आपसे पूछ रहा है, अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड मिल गया, उसका एकदम मिलता जुलता वर्ड एग्जैक्ट मिल रहा है, तो उसी को आप क्लिक कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हल्का फुल्का भी मैच होगा तो चल जाएगा। अब देखिए, अगर यहां पर एफिमेरल नहीं होता तो डेफिनेटली हम लोग टेम्पोरारी पर मैच कराते हैं, क्योंकि एफिमेरल जो है इसकी मीनिंग भी होती है क्षणिक, पल भर के लिए, और टेम्पोरारी मीन्स होता है अस्थाई, तो थोड़ा सा फर्क भी हो जाएगा। तो यहां पर बेटर क्या होगा, एफिमेरल। अगर टेम्पोरारी और एफिमेरल में आप कंपेयर करेंगे तो ट्रांजिएंट का कौन सा बेटर होगा, एफिमेरल ही होगा। तो एफिमेरल मीन्स भी क्षणिक होता है। वर्ड पार के लिए भी थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड पार की अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि वर्ड पार हमारा कमजोर है, कैसे स्ट्रांग करें। चलिए बताइए, रिजॉइस क्या होना चाहिए, रिजॉइस का आप क्या मिलाएंगे। रिजॉइस, सबसे पहले आपको मीनिंग जानना होगा, रिजॉइस मींस होता क्या है। डिसलाइक, रेफ्यूज, डिसीव, लैमेंट, यू गॉट। चलिए, रिजॉइस खुशी मनाना, इंटरटेन करना, मनोरंजन करना, रिजॉइस। आप अपने एग्जामिनेशन का जैसे रिजल्ट आता है आप पास हो जाते हैं तो आप रिजॉइस करते हैं, खुशी मनाते हैं। डिसलाइक होगा, एंटोनिम मिला रहे हैं, देखिए उल्टा मिला रहे हैं आप लोग, डिसलाइक नापसंद करना, रिफ्यूज इनकार कर देना, इनकार करना तो होगा नहीं, डिसीव धोखा देना ये भी नहीं होगा, तो बिल्कुल सरासर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डिसलाइक भी नहीं हो सकता। अब इसकी मीनिंग जान लें, लैमेंट, अब यही फंस रहा है, लैमेंट। और लैमेंट मीन्स क्या होता है, रोना धोना, विलाप करना, आंसू बहाना। तो अपोजिट में तो आ गया ना, रिजॉइस खुशी मनाना, और इसका अपोजिट क्या होता है, लैमेंट, खुशी मनाना। तो ये आपका अपोजिट हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन 10 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा और मैं ऊपर कर दूं, आ गया ना सब कुछ। चलिए आप लोग पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद करता हूं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज, एक फ्रेज दिया हुआ, फ्रेज मतलब एक छोटा सा सेंटेंस दिया है, अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीनली, ये है इसकी मीनिंग, कहने का मतलब ये लिखा हुआ है ना, अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीनली। अब इसमें से कौन सा मैच होगा, आप लोग आइडिया ले लीजिए, और थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं,
समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले मीनिंग जाने। अन्यू नया, ब्रोम, ब्रोम में झाड़ू होता है, स्वीप सफाई करता है क्लीनली बहुत अच्छे से। अच्छा देखिए, घर पर अगर आप कोई नया झाड़ू लाते हैं, नया ब्रूम लाते हैं झाड़ू, तो बहुत अच्छे से उससे सफाई होती है, फिर धीरे धीरे पुराना हो जाता है तो बहुत अच्छा साफ नहीं कर पाता है, समझ में आ रहा ना। तो उसी तरीके से जब कोई नया इंसान आता है तो बहुत अच्छे से सफाई करता है, मींस बहुत अच्छे से चीजों की सफाई करने का मतलब बहुत अच्छे से काम करता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुराना होता है, सिस्टम में ढलता जाता है, तो लापरवाह होता है। तो देखिए, अ न्यू ब्रोम स्वीप्स क्लीनली, अब आप लोग आइडिया मिल ही गया होगा। चेंजेस इन सोसाइटी आर गुड, समाज में बदलाव अच्छा है, ये होगा। या चेंजेस आर मेड, चेंजेस आर मेड मींस चेंजेस किए जाते हैं एनर्जेटिकली, बहुत ही ऊर्जा के साथ, बाय द एल्डरली, एल्डरली मतलब बड़े लोगों के द्वारा, बड़े मतलब जो उम्र में बड़े हैं उनके द्वारा। या चेंजेस आर मेड, बदलाव किए जाते हैं एनर्जेटिकली, बड़े ऊर्जा के साथ, बड़े फुर्ती के साथ, बाय अ न्यूली अपॉइंटेड पर्सन, नए नियुक्त किए गए व्यक्ति के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, देखेंगे ना कि किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, जब नया अपॉइंटेड कोई इंसान आता है ना, तो उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है कुछ दिनों तक, और फिर उसके बाद वो क्या होता है, जब सिस्टम के अंदर वो जाता है, सारी लूप होल्स, सारी कमियां वो देखता है, तो वो भी एकदम सुस्त पड़ जाता है। तो नई नई चीजें अच्छा काम करती हैं, फिर पुराने होने पर वो स्लो हो जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा होना चाहिए डियर, ये क्लियर हो गया, ये वाला ऑप्शन सी वाला, सी वाला, चलिए भाग गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर क्या करना है आपको, लिखा क्या है समझ में आ गया होगा, फाइंड, आप पता करो द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड को, चार स्पेलिंग है, इनमें से एक स्पेलिंग सही है, और वर्ड क्या, लेथार्जी, लेथार्जी मीन्स होता आलसपन, लेजीनेस, एकदम लेटे रहो, LETHURGY या LETHERGY या LETHERGY या LETHEARGY, कौन सी, लेथार्जी, कभी सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना होगा, अगर सुना होगा, पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आपको दिमाग में आ गया होगा कि स्पेलिंग क्या होनी चाहिए लेथार्जी की, LETHERGY, फिर से देखिए, LETHERGY, लेथार्जी, आलसपन, आप लोगों के अंदर लेथार्जी है, ऐसा लग रहा है बस लेटे रहो, कोई काम ना करो, कौन सी स्पेलिंग, ये वाली स्पेलिंग। चलिए भाई, आलसपन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट 12, देखिए वॉइस का आ गया, डिसाइड करें आप लोग, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और पैसिव बनाने के लिए आप लोग बाय होम यूज करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी जो होती है वो इज आर एम चलती है, और पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म से ही बनता है, तो क्या होना चाहिए, बाय होम इंग्लिश इज टॉट टू यू, क्या सही लग रहा है, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, या बाय होम वाज, तो होगा नहीं, इसको काटो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो इसमें इज आर एम लगता है, तो जबरदस्ती चेक नहीं करना, बाय होम यू आर टॉट इंग्लिश, अब डिसाइड करें आप लोग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, तो हु को आप लोग किस में टर्न करते हैं, बाय होम, फिर उसके बाद आप ऑक्सिलरी लेते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, यही होता है ना, तो यहां पर क्या होना चाहिए, देखिए बाय होम के बाद ऑक्सिलरी गायब है, तो ये हम नहीं मानेंगे। अब इसमें देखिए, बाय होम, अब इसने यू को लिया है, तो यू प्लेवरा ले, देखिए पहले आर लगा है, फिर यू आया, फिर टॉट आया, फिर इंग्लिश आई ना, अच्छा ये तो गलत ही हो गया। अब इसमें देखिए, बाय होम यू, इसमें भी देखिए ऑक्सिलरी बाद में किया है, तो बाय होम के जस्ट जैसे आपने बाय होम बन हु को आपने बाय होम में बदला, उसी के बाद आपको ऑक्सिलरी लेना होगा, तो इसमें तो ऑक्सिलरी लिया ना, इसमें सब्जेक्ट लिया फिर ऑक्सिलरी लिया, तो ये भी ग्रामेटिकली गलत हो गया, तो कौन सा आप मानेंगे, यही वाला ना, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, ये आसान होता है, वॉइस में तो लड़के अक्सर कर डालते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनको नरेशन में होती है। चलिए दूसरा आया, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो, डोंट है इंपेरेटिव, लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड, लेट अस, ये तो कट गया क्योंकि इंपेरेटिव की शुरुआत लेट से भी होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, शट द डोर, तो कैसे बनेगा पैसिव, लेट द डोर बी शट, सुना होगा, अब इसने लेट अस लगा दिया, बस कहां से पा गया, आई डोंट नो, इसको हटा दो, लेट द पुअर टू बी नॉट इंसल्टेड, ये भी गलत है ना, टू बी नॉट इंसल्टेड, नॉट टू बी सुना होगा, इसने टू बी नॉट लगा दिया, ये भी गलत हो जाएगा,
लेट द पुअर नॉट टू इंसल्ट, देखिए ये तो फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ये भी ग्रामेटिकली गलत, तो कौन सा बचा, पहला ही बचा। देखिए ऑप्शन तक पहुंचने के लिए जरूरी है ना कि चार ऑप्शन होते हैं, उनमें आप देखो कि ग्रामेटिकली कौन सा पोर्शन गलत है, उसको रिजेक्ट करो आप, फिर उसको दिमाग में मत लाओ। तो यहां पर क्या होना चाहिए, डोंट इंसल्ट द पुअर, लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड। इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, नॉट बी इंसल्टेड। और एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि लेट के बाद इन्फिनिटिव टू नहीं लगता, लेट के बाद जो टू होता है ना उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ग्रामेटिकली देखिए यहां पर टू भी लगा था तो इसको मान ही नहीं पाएंगे, इसमें भी टू लगा है तो इसको भी नहीं मानेंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। लेट के बाद टू का साइन छिपता है, जैसे आदमी बोलेगा लेट मी गो, लेट मी टू गो नहीं बोलेगा। तो यहां पर ये हो गया आपका पहला। अब अगला देखिए क्या है भाई, नरेशन है, नरेशन, चलिए डिसाइड करिए। ही सेड आई हैव डन माई जॉब, उसने कहा मैंने अपने जॉब को कर लिया है। ही सेड दैट ही हैज, ये तो नहीं मानेंगे, हैज हैव हैड में बदलता है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ही सेड दैट ही हैव, ये भी नहीं मानेंगे। ही सेड दैट ही हैड डन हिज जॉब, सही है, या इसको देखें, ही सेड दैट ही हैड बीन, ये भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हैज और हैव जो होता है वो हैड में टर्न होता है, बस ऑक्सिलरी को देखकर आप पहचान सकते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ये हो गया, ही सेड दैट ही हैड डन हिज जॉब। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, डिसाइड करें आप लोग, ये इनडायरेक्ट है, मतलब इसको हमें डायरेक्ट में पता करना है। देखिए द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय सोसाइटी, द पुअर, अच्छा इसमें करना क्या था, नरेशन ही था ना, चलिए चलिए चलिए, ये वाइस आ गया, कोई बात नहीं है, एक्टिव पैसिव का आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। देखिए द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय सोसाइटी, गरीब जो है वो सोसाइटी के द्वारा लुक्ड आफ्टर किए जाने चाहिए, उनकी देखभाल की जानी चाहिए। ये पैसिव है, इसका एक्टिव निकालना है आपको, तो होना क्या चाहिए, सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर, या द सोसाइटी मस्ट लुक्ड, या सोसाइटी मस्ट बी लुक्ड, या सोसाइटी मस्ट हैव लुक्ड, तो होना क्या चाहिए, यही पहला होना चाहिए ना। अब इसको आप सीधा कर लो, सीधा कर लोगे, जैसे ये पैसिव है, ये एक्टिव, अब इसी एक्टिव को आप पैसिव में टर्न करोगे मैच कर जाएगा, द पुअर यहां पर आ गया, मस्ट भी लगा दिया, लुक के थर्ड फॉर्म लुक्ड, आफ्टर वैसे लिख दीजिए, बाय सोसाइटी को इधर लेकर चले आइए, बाय सोसाइटी, मैच हो गया। तो यहां पर समझ में आ गई मेरी बात, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये आया क्वेश्चन नेक्स्ट, आप लोग डिसाइड करें क्या लिखा है इसमें। देखिए रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में सेट करना है, जिसको हम लोग पी क्यू आर एस के नाम से ज्यादा जानते हैं, बच्चे को बोल दो पी क्यू आर एस वो जान जाएगा, अगर उसको बोलो रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। तो बताइए इसमें पी क्यू आर एस ये लिखा हुआ है ना, पी क्यू आर एस, इसकी मीनिंग ये होती है कि इसमें आपको बताना है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, पी से होगी, क्यू से होगी, आर से होगी या एस। तो सबसे पहले आप मीनिंग जाने, टू रिजॉल्व, रिजॉल्व मीन्स हल करना, इट मीन्स इसे, देन, देन मीन्स अपेक्षा, कंपैरिजन, इट इज इजियर, ये आसान है, टू टॉक, बात करना अबाउट अ प्रॉब्लम, समस्या के बारे में। चार ऑप्शन लगे, एक में आर से, एक में क्यू से, एक में पी से, एक में आर से, तो बताइए भाई किससे शुरुआत करेंगे, आर से करेंगे, पी से करेंगे या क्यू से करेंगे। अच्छा देखिए इट इज इजियर देन, देखिए दो बार आर आ रहा है, जब किसी ऑप्शन में दो बार आ जाती है बातें, जैसे आर आर दो बार आ गया, पी पी दो बार आ गया, तो चांसेस ये मानते हैं लोग कि आर से शुरुआत हो सकती है, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है, एकदम कंफर्म्ड नहीं होता है। अब आर दो बार आ रहा है तो एक पॉसिबिलिटी बन रही कि हो सकता आर से शुरू हो सके, क्योंकि जब ऑप्शन देखोगे ना तो मान लिया जाए किसी ऑप्शन में क्यू क्यू दो बार आ गया तो आदमी समझेगा कि क्यू से पॉसिबिलिटी है, आर आर दो बार आ गया तो आर से पॉसिबिलिटी है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिक है, कभी काम करती है कभी काम नहीं करती। अच्छा इसमें देखिए आर से, इट इज इजियर, ये आसान है, पहले इसको चेक कर ले रहे हैं, टू रिजॉल्व इट, इसे हल करना, अब इसको थोड़ा सा देख लें, इट इज इजियर, ये आसान है, टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम,
ये आसान है समस्या के बारे में बात करना, बिल्कुल सही लग रहा है ना, लोग अक्सर बात करते कोई समस्या के बारे में, बात करना आसान होता है। फिर उसके बाद क्यों में देखिए, देन अपेक्षा टू सॉल्व इट, इसको हल करने की अपेक्षा, बिल्कुल सूटेबल तो आ गया। समस्या के बारे में बात करना आसान है, लोग बात करते रहते हैं लेकिन उसको सॉल्व करना उतना आसान नहीं है, तो यहां पर हमारा क्या होगा भाई, डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगी आपको क्योंकि इसमें पहली लाइन दी है हिज अंकल, ये पहली लाइन दी है, पहली लाइन बिल्कुल सही है। अब उसके बाद आपको पी क्यू आर एस से मैच कराना है, पहली लाइन सही है। अब आपको डिसाइड करना है कि फर्स्ट लाइन के बाद पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा या एस आएगा। अच्छा ऑप्शन में देखिए, इसमें एस लगा, इसमें आर लगा, इसमें पी लगा, इसमें क्यू, सारे ऑप्शन अलग हैं ना। अगर किसी भी, अगर दो ऑप्शन हो जाते एक ही वर्ड से शुरू होते जैसे एस एस दो बार आता तो पॉसिबिलिटी होती कि एस से हो सकता है, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन अलग अलग है, एक में किससे शुरुआत हो रहा है एस, दूसरे में आर, इसमें पी, इसमें क्यू, तो कोई हेल्प नहीं मिलने वाली हमें। हिज अंकल, उसके अंकल, फॉर हिज, फॉर सक्सेस, सफलता के लिए इन लाइफ जीवन में, ऑलवेज हमेशा एडवाइज्ड हिज सन, अपने लड़के को सलाह दी, हु वाज अ सेल्फ मेड मैन, जो एक सेल्फ मेड आदमी थे, अपने से बनाए हुए इंसान, किसी की हेल्प उन्होंने नहीं ली, मीन्स हुआ कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा, अपने से अपने आप को इस्टैब्लिश किया होगा, स्थापित किया होगा, एक नाम बनाया होगा। टू डिपेंड, निर्भर होना, ऑन हिज ओन एफर्ट्स, अपने खुद के प्रयासों पर, इससे सेंटेंस की शुरुआत करेगा। अब इसके बाद कौन सी लाइन आएगी, हिज अंकल, उसके अंकल, फॉर हिज, फॉर सक्सेस, सफलता के लिए, या उसके अंकल, ऑलवेज एडवाइज्ड हिज सन, हमेशा अपने लड़के को सलाह दी, लग तो सही रहा है, या उसके अंकल हु वाज अ सेल्फ मेड मैन, जो एक सेल्फ मेड आदमी थे, उन्होंने अपने से अपने आप को इस्टैब्लिश किया था, या उसके अंकल, टू डिपेंड, निर्भर होना, ये भी नहीं अच्छा लगेगा। अब आपको लगा होगा या तो हमारा क्यू शुरू करेगा या आर शुरू करेगा। अब देखिए इसमें क्यू कहाँ है, क्यू है, हाँ ये है, और आर कहाँ, ये है। अच्छा अब दोनों में लड़ाई है, अब दोनों में आप लड़ाई लड़ लें, हिज अंकल, उसके अंकल, आर को पहले देखते हैं, हु वाज अ सेल्फ मेड मैन, जो एक अपने से बनाए हुए, मतलब अपने से स्थापित किए गए आदमी थे, क्यों में लिखा है, ऑलवेज एडवाइज हिज सन, उन्होंने हमेशा अपने लड़के को सलाह दिया, इसमें क्या लिखा हुआ है, टू डिपेंड ऑन हिज ओन एफर्ट्स, कि वो अपने प्रयासों पर निर्भर रहे, फॉर सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता के लिए। चलिए इसको भी चेक कर ले रहे हैं, डाउट क्यों रहे, हिज अंकल, उसके अंकल, ऑलवेज एडवाइज हिज सन, हमेशा अपने लड़के को सलाह दिया, पी में लिखा है, फॉर सक्सेस, सफलता के लिए इन लाइफ जीवन में, इसमें लिखा है, टू डिपेंड ऑन हिज ओन एफर्ट्स, अपने खुद के प्रयासों पर निर्भर रहे, आर में लिखा है, हु वाज अ सेल्फ मेड मैन, जो एक सेल्फ मेड मैन था, नहीं आएगा ना, थोड़ा सा आगे चलकर अलग हो गया, तो ज्यादा बेटर कौन होगा आपका, ए, आवाज से भी तो अच्छा लग रहा है, हर एक चीज कनेक्ट हो रही है। अगर आपको ऑप्शन सही है तो ना एवरीथिंग विल जस्ट एवरीथिंग विल बी कोहेसिव, हर एक चीज बिल्कुल फिट होती रहेगी, इधर उधर नहीं भागेगी, तो हमारा बी बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए यहां पर क्या करना है भाई, हाँ पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन तो बड़ा आसान होता है, तो इसमें पंक्चुएशन, कौन सा पंक्चुएटेड सेंटेंस सही है, करेक्ट, द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, चार सेंटेंस है इसमें, आप कौन सा पंक्चुएशन वाला बिल्कुल सही लग रहा है, डिसाइड। हाउएवर डेविड डिड नॉट अचीव हिज गोल, हाउएवर डेविड डिड नॉट अचीव हिज गोल, हाउएवर डेविड डिड नॉट अचीव, मतलब बाद वाला सेंटेंस एकदम सेम वैसा है। अब हाउ एवर के बाद जो कॉमा ओमा लगा इसी में लफड़ा है ना कुछ, और डेविड का डी कैपिटल में ही रहता है, नाम तो हमेशा कैपिटल में रहेगा, तो आप लोग आइडिया लिए नहीं लिए, चलिए मैं बता रहा हूं, पहला सही है। देखिए हाउ एवर जो होता है ना, हाउ एवर अगर वो सेंटेंस के शुरू में आएगा तो हमेशा याद रखिए कॉमा, कॉमा से वो अलग होता है, फिर उसके बाद कोई सेंटेंस लिखा जाता है। यहां पर देखिए कॉमा लगा, ये देखिए कोलन है, कोलन हम नहीं लेंगे, ये देखिए सेमी कोलन है, देखिए इस निशान को हम लोग कोलन बोलते हैं, इस निशान को हम सेमीकोलन बोलते हैं ना, और इस निशान को हम एक्सक्लेम्स बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, संबोधन चिन्ह। तो हाउ एवर के बाद हमेशा रखिएगा कॉमा, अगर हाउ एवर बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में आ रहा ना तो उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद सेंटेंस शुरू किया जाता है, तो यहां पर ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अच्छा कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ 18। अब यहां पर देखिए पैसेज आपके सामने आया, चलिए भाई पैसेज को पढ़िए, बहुत छोटा सा पैसेज है, एक बार आप लोग पढ़ लें,
फिर उसके आगे की बात होती है रेड, रेड द पैसेज प्रॉपरली। आप लोग पैसेज को बड़े आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं है। और मैं भी साथ में आपको पढ़ा दूं, थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और पैसेज को कभी बहुत डिटेल में मत पढ़ा करिए, बस एक हल्की रफ रीडिंग होनी चाहिए, बस एक पेन चलता जाए आइडिया मिलता जाए, क्योंकि आपको समझना है, किसी को समझाना तो नहीं है ना, बस आपका मन उस चीज को रिसीव कर ले कि कहानी क्या है। देखिए, सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड, कुछ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है बाय अ फ्यू पीपल, अ फ्यू मीन्स कुछ लोगों के द्वारा, थोड़े बहुत लोगों के द्वारा। अदर्स दूसरी मतलब भाषा, सच है जैसे कि मैंडरिन चाइनीज, मैंडरिन चाइनीज कोई भाषा होगी, एंड इंग्लिश, मैंडरिन चाइनीज और इंग्लिश जो होता है आर स्पोकन, ये बोली जाती है बाय मिलियंस, मिलियनों के द्वारा। इंग्लिश तो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती, चाइनीज भी बहुत जगह बोली जाती है क्योंकि चाइना बहुत बड़ा देश है ना इंडिया के जैसा। तो देखिए, सम लैंग्वेजेस कुछ भाषाएं आर यूज्ड, यूज की जाती है बाय अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा। अदर्स दूसरी सच है जैसे कि मैंडरिन चाइनीज, ये मैंडरिन चाइनीज लैंग्वेज है, एंड इंग्लिश और अंग्रेजी आर स्पोकन, बोली जाती बाय मिलियंस, मिलियनों के द्वारा, बहुत लोगों के द्वारा। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग स्पीक बोलते हैं टू और मोर लैंग्वेजेस, दो या दो से ज्यादा भाषाएं, आप लोग भी दो लैंग्वेज बोलते होंगे। दे मे यूज, ये लोग यूज कर सकते हैं वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को, दे किसके लिए आया, लोगों के लिए, वो लोग एक लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं एट होम, घर पर, विथ फैमिली, फैमिली के साथ, एंड फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, एंड अनदर, और दूसरी लैंग्वेज एट वर्क, काम के जगह पर, और स्कूल या स्कूल में। तो ऐसे हम लोग भी बोलते हैं ना, गांव में रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा, स्कूल कॉलेज में थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसी तरीके से कुछ लोग अपने घर में, अपने फैमिली में दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, स्कूल कॉलेज काम, जहां फैक्ट्री कहीं काम करते हैं वहां पर दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप देखिए, रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय, मतलब जो क्षेत्रीय, जो हर एक जगह बोली जाती है, जैसे आपके गांव में, हमारे गांव में, तो रीजनल वेरिएशन, जो क्षेत्रीय वेरिएशन है, जो बदलाव है, जो वैरायटी है, जो किस्में हैं ऑफ लैंग्वेज, भाषा का, आर नोन, इसको जाना जाता है एज डायलैक्ट्स, डायलैक्ट्स भी जाना जाता है, जो गांव गांव में थोड़ी थोड़ी दूर पर जो भाषाएं बदलती रहती हैं ना, उनको क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। और उनको किस रूप में जाना जाता है, डायलैक्ट्स, डायलैक्ट्स के रूप में जाना जाता है। द एंग्लो सैक्सन, सैक्सन होगा, सैक्सोना लिख दिया, द एंग्लो सैक्सन, ये अंग्रेज लोग थे, द एंग्लो सैक्सन हु कॉन्कर्ड, जिन्होंने कॉन्कर्ड किया मतलब विजय पाई ब्रिटेन, ब्रिटेन पर, एट द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के अंत में जिन्होंने रोम, ब्रिटेन में विजय पाई, मतलब ब्रिटेन को अपने कब्जे में कर लिया, स्पोक उन्होंने बोल, वो बोल रहे थे कौन सी भाषा, जर्मनिक लैंग्वेजेस, जर्मनिक मीन्स जर्मन वाली भाषा बोल रहे थे, इंक्लूड जिसमें शामिल था डैनिश, डच, जर्मन, स्वेडिश, ये सब भाषाएं शामिल थी, ये सब देश के नाम है, उन्हीं के ऊपर ये भाषाएं थी। इंग्लिश, अब देखिए अंग्रेजी की बात समझिए, इंग्लिश, इंग्लिश तो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है ना, अब देखिए इंग्लिश ऑल्सो कंटेन्स, इंग्लिश जो है वो कंटेन्स करती है, रखती है, इंग्लिश में कहने का मतलब है फ्रेंच डेराइव्ड वर्ड्स, फ्रेंच से निकाले गए शब्द। तो आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो उसमें अक्सर सुनते होंगे ये फ्रेंच वर्ड है इंग्लिश में, ये लैटिन वर्ड है, तो इंग्लिश में बहुत सारे फ्रेंच वर्ड भी हैं, लैटिन वर्ड्स भी पड़े हुए हैं। इंग्लिश ऑल्सो कंटेन्स, रखती है फ्रेंच डेराइव्ड, डेराइव्ड मीन्स रिसीव किया, मतलब फ्रांस से प्राप्त वर्ड्स हैं। आफ्टर इट वॉज रूल्ड, कब हुआ, आफ्टर बाद में, इट वॉज रूल्ड जब इसको रूल किया गया बाय फ्रेंच स्पीकिंग किंग्स, मतलब फ्रेंच बोलने वाले राजाओं के द्वारा, फॉलोइंग जिनमें कौन है, द नॉर्मन कॉन्केस्ट, नॉर्मन कॉन्केस्ट, राइट, ये सब नाम है, इनके पीछे नहीं पढ़ना है। तो बस एक हल्का सा हमें आइडिया लेना होता है और हर एक वर्ड के पीछे नहीं पढ़ना होता है कि जब तक हम इसकी मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप फंसे रहेंगे। अब देखिए, आप आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा ना। अब देखिए इसमें क्या है, मैंडरिन चाइनीज इज स्पोकन, मैंडरिन चाइनीज बोली जाती है, किसके द्वारा बोली जाती है भाई, आइडिया लीजिए, लिटिल, फ्यू, मैनी या बिग। अच्छा, बिग पीपल तो बोलेंगे भी नहीं, वैसे भरेंगे तो बिग पीपल फिट भी नहीं होगा। अच्छा, लिटिल पीपल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि पीपल तो काउंटेबल है, तो ग्रामेटिकली तो गलत हो ही गया दो ऑप्शन। अब मैनी या फ्यू, अच्छा थोड़ा सा आप पैसेज भी देख लें, पैसेज से हेल्प मिलेगी, मैंडरिन लैंग्वेज है ना। देखिए, सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड बाय अ फ्यू पीपल
एंड अदर सच एज मैंड्रीन चाइनीज एंड इंग्लिश आर स्पोकन बाय मिलियंस, मिलियन के द्वारा बोली जाती है। अब इसमें मिलियन तो है नहीं है तो हम बोल देंगे मैनी, मिलियन की जगह हम क्या बोल देंगे मैनी, ये हो गया कई लोगों के द्वारा, बहुत से लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब उसके बाद देखिए, अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेजेस इज नोन एज, इंसान जो फॉरेन लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, वर्चुअसो, लिंग्विस्ट, स्कॉलर, वेंट्रिलोकिस्ट। तो यहां पर आइडिया आपको मिला, तो चलिए मैं बता रहा हूं, स्कॉलर तो विद्वान होता है ना, स्कॉलर यू आर अ ग्रेट स्कॉलर। अच्छा लिंग्विस्ट क्या होता है, द पर्सन हु स्टडी लिंग्विस्टिक्स, वो इंसान जो लैंग्वेज को स्टडी करता है, मतलब भाषाओं पर जिसकी पकड़ होती है ना, पॉलीग्लॉट, जो कई भाषाओं का स्टडी करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट। अच्छा वर्चुओसो क्या होता है, म्यूजिशियन के लिए लगता है, जैसे बहुत ही एक्सपर्ट होता है म्यूजिशियन, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड वर्चुओसो। एंड वेंट्रीलोकिस्ट, ये वर्ड थोड़ा सा नहीं सुना होगा, वेंट्रीलोकिस्ट मीन्स होता है कि कभी कभी आप मूवी में देखते होंगे ना, कॉमेडी शो में देखते होंगे, कभी कभी एक इंसान कभी कभी क्या होता है, कई लैंग्वेजेस प्रोड्यूस कर लेता है, तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रीलोकिस्ट। और क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन हु इज गुड एट फॉरेन लैंग्वेजेस इज नोन एज, तो आप क्या बोलेंगे, वर्चुओसो, तो म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन तो नहीं बोलेंगे ना भाई, लिंग्विस्ट ही बोलेंगे ना, लैंग्वेज, देखिए इसमें लैंग्वेज लगा भी हुआ, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, तो कई जो लैंग्वेज पर कमांड करता है फॉरेन में, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। आ गया, क्लियर है ना। तो पैसेज को देखिए, पैसेज से ही सारी चीजें निकल कर आएंगी आपको, बस हल्का सा आपका बस प्रैक्टिस होना चाहिए, नथिंग एल्स, इसके आगे कुछ नहीं है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज, रीजनल मीन्स क्षेत्रीय, अब रीजन मत समझ लीजिएगा, कारण मत समझ लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है रीजन, यहाँ पर रीजनल है, रीजनल है, द रीजनल वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स होता ना, जैसे बदलाव नहीं होता है, ऑफ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज, इंग्लिश, मैंड्रिन चाइनीज, होम लैंग्वेज या डायलैक्ट्स। अब आपके पास फिजिकल में तो पेपर होगा, मान लिया जाए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होगा, तो एक बार पैसेज को एक बार आप देख जरूर लिया करें, अगर कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, अगर कॉन्फिडेंस बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला ना, आप गांव-गांव में चले जाएंगे ना, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेज, दे आर ऑल्सो नोन एज डायलैक्ट्स, उनको हम लोग डायलैक्ट्स के भी नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डायलैक्ट्स, आर रीजनल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज, यही होगा पैसेज में भी देखिए लिखा हुआ है, लेट्स सी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैनी पीपल, देखिए इसको पहले हटा दें हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आइडिया लीजिए कहीं पर आएगा, मिल गया होगा ना, देखिए यहाँ से अनदर वर्क, हाँ यहाँ से देखिए, रीजनल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेजेस आर नोन एज डायलैक्ट्स, आ गई ना बात। अब अगला देखते हैं, लेट्स सी द नेम, ये आ गया, इंग्लिश ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रेंच वर्ड्स, बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश में हमारे फ्रेंच वर्ड्स पढ़े हुए हैं ना, कभी कभी हम पढ़ते हैं तो पता चलता है लैटिन है, फ्रेंच है, अलग अलग वर्ड्स मिलते हैं ना ओरिजन के। और उसके बाद क्या लिखा, द रोमन कॉन्केस्ट, कॉन्केस्ट का मतलब विक्ट्री, उस पर हार, मतलब उस पर हरा दिया उसने, जीत पा गई। तो कब मैंने बताया था, प्रायर बताया था, बिफोर बताया था, आफ्टर, आफ्टर लिखा था ना पैसेज में, आप देखेंगे ना आफ्टर आया है ना, ये देखिए आफ्टर आया ना, ये देखिए, इंग्लिश ऑल्सो कंटेन्स फ्रेंच डिराइव्ड वर्ड्स आफ्टर इट वॉज रूल्ड, ना आफ्टर लगा हुआ है, तो पैसेज आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बस हल्का सा आपको रीड करना है, और कोई वर्ड्स नहीं आ रहा तो उसके पीछे हाथ धोकर मत पढ़ना, नहीं आ रहा तो आप आगे बढ़ जाना, पैसेज का यही तरीका होता है। तो क्या भरेंगे डियर, आफ्टर, इज इट क्लियर, आफ्टर हो गया। चलिए भाई, पार्ट ऑफ अ जर्मनिक लैंग्वेज, जर्मनिक लैंग्वेज का हिस्सा है, कौन है भाई, ब्रिटेन है, एंग्लो सैक्सन है, इंग्लिश है, रोमन एम्पायर है, तो क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज पर ही तो बात किया है, क्योंकि इसका हिस्सा है, जर्मनिक लैंग्वेज, जर्मनिक लैंग्वेज बोल रहे थे, डच बोल रहे थे, तो उसमें इंग्लिश भी तो इन्वॉल्व था ना, तो यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, यहां पर हमारा इंग्लिश हो जाएगा, पैसेज में सब कुछ होगा। अब देखिए 24 में देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़ा नॉर्मल सा, एक्सिस, AXIS, एक्सिस, ये है, इसका पूछ रहा है प्लूरल क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जिस वर्ड के एंड में आप आईएस पाइएगा उसका प्लूरल ईएस से बना दीजिएगा, बहुत सारे वर्ड आपको मिलते हैं, जैसे मान लिया जाए एक वर्ड है बेसिस, BASIS, बेसिस, अगर आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा बेसिस। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ना क्राइसिस, क्राइसिस परेशानी, इसका प्लूरल आप देखेंगे ना तो क्राइसिस, 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 तो
आईएस जो लगता है ना वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर की तरफ इशारा करता है, और इसका प्लूरल जो होगा वो ईएस होगा। तो हमारा एक्सिस का प्लूरल क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बिल्कुल होगा, ए वाला होगा, ये याद रखिएगा। ये सारे वर्ड हमारे फॉरेन प्लूरल में आते हैं, मतलब लैटिन, ग्रीक, ये जैसे हम लोग नहीं पढ़ते बुक, बुक्स बना लेते, उस तरीके के प्लूरल नहीं है ये। आप नाउन को जब स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आप सीखोगे, और घर बैठ कर नहीं सीख पाओगे, इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। चलिए अब यहां पर देखिए, आई वॉज शॉक्ड एट हिज रिप्लाई, मैं उसके रिप्लाई पर शॉक्ड था, सदमे में था। ये सेंटेंस है, फाइंड आउट एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव पता करना है, ऑप्शन लिखे हैं, इस सेंटेंस में कितने एडजेक्टिव हैं, क्या शॉक्ड एडजेक्टिव है, रिप्लाई एडजेक्टिव है, या हिज या शॉक्ड एडजेक्टिव है, या नन। तो अगर आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा तो एडजेक्टिव की बहुत सारी कैटेगोरीज होती हैं, बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ना, तो उसी में से आपको पता करना। शॉक्ड, अगर किसी इंसान ने बोला आई वाज शॉक्ड, तो शॉक्ड क्या है, दैट इज एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव है, और साथ ही साथ ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, एक शॉक्ड हो गया, मेरी विशेषता है ना मैं शॉक्ड हूं। और दूसरा एडजेक्टिव क्या है, हिज रिप्लाई, तो हिज क्या है, दैट इज डेमोंस्ट्रेटिव, वो क्या कर रहा है, डेमोंस्ट्रेट कर रहा है उसकी तरफ ना, उसकी तरफ जोर दे रहा, दिस दैट दिस दोज हिज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब सुने हैं ना। तो यहां पर दो एडजेक्टिव आपके हो गए, हिज भी हो गया, शॉक्ड भी हो गया। तो चलिए पेपर आपका क्लियर हो गया, आई होप सारी बातें समझ में आई होगी, और आपने कैसा परफॉर्म किया है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर है तो अपने टाइम को वेस्ट मत करिएगा, ज्वाइन अस एज सून एज पॉसिबल, थैंक्स अ लॉट। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर जलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर जलसी क्लासेस के साथ, आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर, और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेजर कलसी प्लेटफॉर्म पे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेजर कलसी परिवार लगातार आपके लिए आगामी जो एग्जाम आने वाले हैं मॉडल पेपर लेके आ रहा है, और इसी कड़ी में बच्चों आज हम एक नेवी का मॉडल पेपर फिर से आपको दिखा रहे हैं, उसमें जीके के जो 25 क्वेश्चन बच्चों आते हैं, आइए उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं नेवी के, और इससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर हमारी गहराई कितनी है, क्या हमारा लेवल है वो। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ, आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर, और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। आने वाले प्रश्नों का क्या लेवल होता है तो बहुत कुछ बच्चों हमें पता चलेगा आज। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से बच्चों। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, एज पर द जैन ट्रेडिशन हाउ मेनी तीर्थंकर, हाउ मेनी तीर्थंकर, तो हाउ मेनी तीर्थंकर बच्चों देखो यहाँ पे पूछा गया है क्या कि वे आर दीज इन जैन रिलीजन, तो यहाँ पे जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हुई ऑप्शन 20 देख रहे हैं आप, 22, 24, 14, तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा सी, क्योंकि 24 तीर्थंकर जैन धर्म में कुल हुए हैं। और आपको ये पता है ये बात कि पहले जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, उनका नाम था ऋषभदेव। तो ऋषभदेव बच्चे यहाँ पे पहले तीर्थंकर थे, और बात यहीं करें हम तो ऋषभदेव को हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, आदिनाथ इनको कहते हैं। इनका जन्म बच्चे जो है अयोध्या में हुआ है, कहाँ हुआ है, अयोध्या में इनका जन्म हुआ है। और बात अगर हम करें तो हम ये भी जानते हैं कि ये जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे, एक तरीके से जैन धर्म के संस्थापक बच्चे, ठीक। लेकिन बच्चे जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी हैं, कौन है बच्चे, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24th नंबर पे माने जाते हैं तीर्थंकर, और इसके बाद तो आप तीर्थंकर नहीं देख रहे हैं, तो कुल आप 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो 24 यहाँ तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो प्रश्न पूछा गया है। तो 24वें तीर्थंकर बच्चे यहाँ महावीर स्वामी, यानी कि जिनका नाम था वर्धमान, ठीक है। तो बच्चों
यह भी बात आप जानते रहिएगा कि यह एक तरीके से वास्तविक संस्थापक के तौर पर देखे जाते हैं। जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक और संस्थापक अगर पूछा जाए बच्चों, तो आप ऋषभदेव को यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये ऋषभदेव संस्थापक और ये वास्तविक संस्थापक। चलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर पे रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपेयर्ड विद मैकियावेली प्रिंस। पूछा ही जा रहा है कि मैकियावेली के जो प्रिंस है, मतलब मैकियावेली ये इटली के थे ना बच्चे, जो उनकी किताब द प्रिंस, तो ये प्यारे बच्चों जो उनकी किताब प्रिंस है ना, उससे कंपेयर हम कौन सी किताब करते हैं, यही पूछा जा रहा है, और उसके राइटर कौन है। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी ये देख लीजिए, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो यहाँ बच्चों आपको पता ही है कि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ये कंपेयर इसी से करते हैं, ठीक है ना। तो द प्रिंस से कंपेयर कौन सी बुक से की जाती है, अर्थशास्त्र से, और ये अर्थशास्त्र है कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं बच्चों, जिनका बचपन का नाम हम जानते हैं विष्णुगुप्त था, यानी कि कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, यह एक ही व्यक्ति हैं बच्चे। और इन्हीं की यह किताब क्या है, किताब का नाम है अर्थशास्त्र, और इनकी तुलना की जाती है, इस अर्थशास्त्र की तुलना ये आपके मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। तो यहाँ हमारा सही उत्तर पी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये देख लेते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के विरुद्ध किस संस्था की स्थापना की थी। तो बच्चे बहुत ही एक तरीके से आपका ध्यान देने वाला प्रश्न है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और इसका सही उत्तर आप करें। तो आपको पता है कि राधाकांत देव ने जब ब्रह्म समाज के विरुद्ध जा कर के, क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, तो बच्चे राजा राम मोहन राय इन्होंने बच्चे किया था, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने, और ये 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आपको ये बात पता है। तो प्यारे बच्चों ये भी जान रहे हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना तो हुई, और आगे आपको ये बात पता है कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया कि सती प्रथा को बैन कर दिया, सती प्रथा, सती कस्टम आपका बैन हो गया। तो सती जो कस्टम था, तो वह बच्चे एक तरीके से क्या हुआ, बैन हो गया, यानी सती प्रथा ये आपकी बैन हो गई। तो आपको ये बात पता है कि सती प्रथा 1829 में नियम 17 के द्वारा बैन किया जा रहा है। तो बच्चों इधर सती प्रथा के समर्थन में, ठीक है, सती प्रथा के समर्थन में देख रहे हो, ब्रह्म समाज के विरुद्ध जा करके राधाकांत देव जी ने धर्म सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इन्होंने सती प्रथा के समर्थन यहाँ पे किया, ये धर्म सभा की स्थापना करके बच्चे एक तरीके से, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और ये नेक्स्ट रहा फोर्थ नंबर पे, ड्यूरिंग हुज रूलिंग पीरियड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड। तो पूछा ही जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय की बात समय की गई, यानी कि उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय, उस समय तो वायसराय हुआ करता था जिस समय यह स्थापना की गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 की बात है, जब बॉम्बे में क्या किया गया था, बॉम्बे में क्या किया गया कि वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस INC मतलब इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उसकी स्थापना बच्चे की गई। और आपको ये भी पता है कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी बैठक हुई थी बच्चों, और इसके कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापक हैं वो AO ह्यूम माने जाते हैं। किसको माना जाता है बच्चों, AO ह्यूम साहब को माना जाता है। और यह भी पता है आपको कि उसके जो पहले अध्यक्ष बने, मतलब INC के पहले अध्यक्ष, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वह बने हैं WC बनर्जी बच्चे उसके पहले अध्यक्ष बने। तो यहाँ पर जब यह काम किया जा रहा था स्थापना का, तो उस समय भारत में जो वायसराय हुआ करता था वह लॉर्ड डफरिन था उस समय। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया उसके अकॉर्डिंग शी विल बी करेक्ट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पे, और ये रहा आपके सामने, व्हाट इज मीन्ट बाई सेकुलरिज्म। कहा जा रहा है कि सेकुलरिज्म यानी कि पंथ, जो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष आप बोलें,
इसका क्या अर्थ है यह पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखो चार ऑप्शन है आपके सामने, द स्टेट इज अगेंस्ट ऑल द रिलीजन, रिकॉग्निशन ऑफ वन रिलीजन बाय द स्टेट, नॉन एक्सटेंस ऑफ एनी रिलीजन बाय द स्टेट, नॉन ऑफ द एबव। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा आप, क्योंकि देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पूछा गया है आपसे कि इसका मतलब क्या है। तो देखो सेकुलर आपने जानते ही हैं कि आपके पंथ निरपेक्ष, या बच्चों हम लोग देखो इसी को धर्मनिरपेक्ष बोलते रहते हैं ना सेकुलर। तो सेकुलर जो है आपके संविधान के प्रस्तावना में, आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तीन सब प्रस्तावनाओं में जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। तो ये जो शब्द जोड़ा गया था स्पष्ट कर दिया गया कि भारत में यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का बिल्कुल कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों इसी से संबंधित यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है राज्य सभी धर्म के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ नहीं है बच्चों। राज्य द्वारा एक धर्म को स्वीकृत, खिलाफ का मतलब ये तो खिलाफ हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि भारत का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। यह राज्य का मतलब पूरा देश से आप इसको लीजिए। तो राज्य द्वारा एक धर्म को स्वीकृत है, बिल्कुल भी नहीं, भारत का कोई धर्म नहीं है, तो एक धर्म की स्वीकृति क्या बात हुई, कोई बात नहीं हुई। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन सी ऑप्शन में देखिए, राज्य द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। हाँ बिल्कुल, राज्य द्वारा क्या हुआ, किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। तो यहां पे सही ऑप्शन आपका जो देखो जो भी लिखा है उसमें आपका सही ऑप्शन यही होना चाहिए, ठीक है ना सी, क्योंकि राज्य द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया, यह बात एकदम सही प्रतीत होती है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये 6 नंबर पे ये रहा, द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज असर्टेन बाई द सिटीजन्स थ्रू 42nd अमेंडमेंट इन 1976। अभी देखो मैंने नाम भी लिया था उधर 42वां संविधान संशोधन, और ये भी गया यहाँ पे कि 1976 में 42वें संशोधन, मतलब ये संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। तो प्यारे बच्चों यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, आज वर्तमान में आप जानते हैं कि आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज वो कितने हैं टोटल, आपको पता है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो टोटल हैं आपके 11 प्रेजेंट टाइम में, अभी कितना है बच्चों वर्तमान में 11 है। आपको पता है कि जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में लाया गया तब इनकी संख्या 10 थी, कितनी थी बच्चे 10 थी। तो जो प्रश्न पूछा गया उसके अकॉर्डिंग 10 हमारा सही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर वर्तमान में पूछा गया होता फंडामेंटल ड्यूटीज तो 11 आंसर हमारा होना चाहिए था। और आप फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यह भी बात जानते हैं कि यह भाग इसके लिए जो पार्ट है संविधान का, कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसमें ये बात लिखी गई है, तो 4A है, ठीक। और आर्टिकल की अगर हम बात करें बच्चों तो आर्टिकल 51 का ए, उसमें जा कर के यह फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है बातें, ठीक। तो बच्चों आप जानते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह चीज़ें आई भी हैं, और रसिया से आपने लिया है, रूस से, ठीक है ना इसे आप, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देख लेते हैं, और 6/7 नंबर पे प्यारे बच्चों देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पूछा आपसे ये जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो बच्चों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों या फिर हाई कोर्ट की भी बात करें बच्चों हम कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या आदर्श न्यायाधीश, उन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका, आप राष्ट्रपति, आप देखिए कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा ये राष्ट्रपति लिखा हुआ है। तो यहाँ बच्चों इंग्लिश में हिंदी में तो सही है राष्ट्रपति लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो लिखा है इनकी जगह प्रेसिडेंट लिखना चाहिए बच्चों, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो हिंदी में बच्चों यहाँ पे देखिएगा, हिंदी में देखिएगा
ये यहाँ पे हिंदी वाला ये सही है और यहाँ पे राष्ट्रपति आपका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक, तो जो प्रश्न पूछा गया उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 8 नंबर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड द सिस्टर ऑफ द अर्थ। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन रहता है बच्चों और खूब पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, कौन सा ग्रह को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। तो भोर का तारा, सांझ का तारा जिसे हम कहते हैं, जो सबसे चमकीला दिखने वाला ग्रह है जिसे हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं, जहाँ सूर्य यानी कि सूर्योदय की बात अगर हम करें पश्चिम की दिशा में होता है। तो ऐसा ग्रह बच्चे जिसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है, तो वह ग्रह है आपका शुक्र। तो कई चीज़ों के लिए यहाँ पे मैंने देखो नाम लिया भी कि यह शुक्र ग्रह आपका काफ़ी प्रसिद्ध है और ये ऐसा ग्रह है जो बच्चों सिस्टर ऑफ द अर्थ के नाम से भी इसे जानते हैं। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 के बाद 9 नंबर पे ये रहा। फ्रॉम हेयर द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेज। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और ये आप जानते हैं कि अगर एक तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश ये करें कि आखिर क्या हो सकती है इंटरनेशनल डेट लाइन, तो अगर देखो बच्चों हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसका जो शेप है वो जीवाइड है। कैसा है शेप है बच्चों? जीवाइड है शेप, मतलब इसका आकार किस प्रकार का है? जीवाइड प्रकार का। हम स्पेशल एक नाम देते हैं इसको जीवाइड। तो देखो क्या है कि आज हम लोग जानते हैं कि हमने अगर इसी क्योंकि पृथ्वी एक आप देख रहे हैं जैसे गोले टाइप का ना ये पूरा, तो आपने बीचों बीच जो रेखा आपने ड्रा की, तो आपको पता है कि जो आपने इस तरह की रेखा ड्रा किया ऐसे, तो यह वाली रेखा को आप इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर। तो यह इक्वेटर हो गई, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं आप। ठीक है, 0 डिग्री एक तरीके से आप इसे शो करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ऊपर आपने 23.5 डिग्री पर एक तरीके से आपने कर्क रेखा आपकी है, और यही साउथ में देखें तो 23.5 डिग्री आपकी मकर रेखा है। तो यहाँ पे कर्क रेखा और ये मकर रेखा और ये बीच वाली आपके इक्वेटर हो गई। तो प्यारे बच्चों यहाँ समझते रहिएगा कि ऐसे ही हम लोगों ने GMT जो आपका लंदन में है, तो जब लंदन में वहाँ पर भी अगर हम देखें तो आपने लंदन, जैसे मैं सपोज करूँ एक ऐसी रेखा इधर से, तो देखो ये वाली रेखा थी, मेरी बात बहुत ध्यान समझना आप, ये वाली जब हमने रेखा एक तरीके से बीचों बीच में ड्रा की, इसलिए तो हमने इसको भूमध्य रेखा हम लोग बोलते हैं, विषुवत बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं ये वाली रेखा। तो इससे ये उत्तर भारत हो गया, सॉरी उत्तरी गोलार्ध हो गया, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इधर आपका साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। और ये एक रेखा बच्चों जो ऐसे हमने हम लोगों ने खींचा, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो आपकी रेखाएँ खींची गई इस तरह की रेखाएँ, तो ये वाली रेखाएं आपकी देशांतर रेखाएं बोली गई। और जो आपने ऐसे ऐसे रेखाएं खींचा, मतलब ऐसे इसके पैरेलल जो जाकर के आपने खींचा, मतलब इस तरह से, तो इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक, अक्षांश रेखा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो है जो ये वाली रेखा हमने खींच रहे हैं देशांतर रेखा, उसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स में यह वाली रेखा बच्चों जो है एक लंदन में हम लोगों ने वहीं बैठ करके क्या किया कि सारा प्लान ये तैयार किया है ना, तो वहीं बैठ कर डिसीजन निकाला, क्योंकि आपके विश्व में एक समस्या पाई जाती थी कि पता चला इधर गए तो कोई और दिन, इधर गए तो कोई और दिन, तो सभी के दिन को एक समान बनाने के लिए ऐसा समाधान किया गया। तो प्यारे बच्चों जो GMT है वो आपका लंदन में है, ग्रीन विच मीन टाइम इसका फुल फॉर्म है, ग्रीन विच मीन टाइम। तो बच्चों ये GMT हो गया, तो आप GMT तो 0 डिग्री एक तरीके से आप देखें, अगर शो करें इसे आप 0 डिग्री शो कर सकते हैं आप, कि जैसे हम एक तरीके से स्टार्टिंग मान रहे हैं ना, तो एक तरीके से इसके उस साइड, मतलब ये वाला साइड जो हम शो करके दिखाएं, जैसे मान लीजिए ये तो आगे वाला साइड हो गया क्योंकि स्फीयर है ना, तो एक आगे साइड हो गया एक पीछे हो गया उसका, तो जो पीछे वाले उधर साइड होते हैं बच्चे वही हम यहाँ पे एक तरीके से 180 डिग्री शो करते हैं। तो 180 डिग्री, तो यह जो 180 डिग्री है बच्चे इसी को हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब दिनांक रेखा, तिथि रेखा या दिनांक रेखा, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन बच्चे 180 डिग्री है, तो हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। तो ध्यान रहे आपको
कि यह प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। यह रेखा कहाँ से गुजरती है बच्चे? प्रशांत महासागर से। आपने इसको पानी से होकर गुजारा, क्योंकि अगर मैंने जैसे मैं ये सपोज करूँ, यही वाली सपोज कर लेता हूँ कि 180 डिग्री है, बाकी तो इधर मैं जीरो कर रहा हूँ, उधर साइड पीछे वाली साइड तो 180 डिग्री हो गई है। तो 180 डिग्री अगर मैं शो कर रहा हूँ तो इसको पानी से आपने गुजारा। इसीलिए बच्चों आप देखोगे मैप में ना, तो ये कई जगह मुड़ी हुई है, मतलब ये इंटरनेशनल डेट लाइन कई जगह मुड़ी हुई है, और वहाँ लिखा भी होगा मैप में इंटरनेशनल डेट लाइन। तो बच्चों इस बात को समझते रहिएगा आप। तो यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, क्योंकि इसके इधर जाने पर और इधर जाने पर हमें दिन का हम निर्धारण कर देते हैं ना, दिन का। जैसे मान लो इधर क्या हो गया, रविवार है, तो पता चला इधर सोमवार हो जाएगा, ठीक। तो चलो, तो GMT से ऐसे ही एक रेखा भारत में भी गुजरती है बच्चों, और वह है 82.5 डिग्री। आपको पता है कि ईस्ट 82.5 डिग्री ईस्ट साइड में है ना, इसलिए ईस्ट पूर्व में। और यह कहाँ से? मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, मिर्जापुर से, जो कि GMT से 5.5 घंटा आगे है। GMT से 5.5 घंटा यह रेखा बच्चों आगे यहाँ पे, और यह इसे हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10th नंबर पर, ये रहा आपका 10th। देखो, गांधी सागर, जवाहर सागर एंड राणा प्रताप सागर डैम्स आर सिचुएटेड। देखो, तीन बहुत ही बड़े हस्तियों के नाम पर ये रखा गया है, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। तो बच्चों मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये सब डैम स्थित हैं, और ये चंबल नदी पे बनाए गए हैं। आपको पता है कि यमुना की सहायक नदियों में एक नदी, यह भी चंबल नदी भी आती है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देख लेते हैं, और 10th के बाद ये 11th नंबर, और 11th नंबर पे देखो है, नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया। तो नागार्जुन बहुत ही प्रसिद्ध ये सागर, ये बांध है बच्चों, और यह बांध है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है बच्चों? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे ये रहा आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे देखिए, हाउ मेनी बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1969। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी जब ये नेशनलाइज किए गए 14 बड़े बैंकों को किया गया था। तो 14 बड़े बैंकों को बच्चों 1969 में क्या हुआ कि जुलाई 1969 में ये बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ऑप्शन तो ए यहाँ सही हो गया। आगे चल करके प्रधानमंत्री जब उस समय इंदिरा गांधी जी थी, तो इन्होंने आगे चल करके 1980 में फिर से 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया फिर से। तो पहली बार उन्होंने 1969 में किया 14 बड़े बैंकों का, और उन्होंने दूसरी बार 1980 में 6 बड़े बैंकों का बच्चों राष्ट्रीयकरण किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा 13th नंबर पे। वेयर इज एफिल टावर सिचुएटेड। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों, और एफिल टावर काफ़ी जो है कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों। तो एफिल टावर आप जानते हैं, एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में है। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में यह सिचुएटेड है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और ये रहा आपका 14th नंबर पे। व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। फैन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। आप CV रमन जी को जानते ही हैं, CV रमन जो भारत में भौतिक का नोबेल पुरस्कार पहली बार इनको मिला था, भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार CV रमन साहब को मिला है। और यह पहली बार था कि कोई एक तरीके से भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को एक पहली बार जो है पुरस्कार मिला, भौतिक का नोबेल पुरस्कार। हालांकि भारत में बहुत नोबेल पुरस्कार पहली बार अगर देखा जाए तो 1913 में दिया गया, और वह रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को। लेकिन उसके बाद बच्चों देखा जाए तो उन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, इन्हें जो दिया गया भौतिक के क्षेत्र में दिया गया, ठीक। तो आप जानते हैं कि 28 फरवरी को हम मनाते हैं साइंस डे, इसीलिए मनाते हैं बच्चों, इन्हीं के लिए मनाते हैं, ठीक। तो 28 फरवरी को हम लोग साइंस डे मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं, और ये सी ऑप्शन यहाँ सही है। आगे अगला वाला ये 15th नंबर पे। वेयर वाज द बड़ा इमाम बाड़ा बिल्ड बाई आसफुद्दौला। हाँ, आसफुद्दौला, ये बड़ा इमाम बाड़ा जो कि लखनऊ में है बच्चों, इसे आसफुद्दौला ने बनवाया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो ये बड़ा इमाम बाड़ा जिसे भूल भुलैया के नाम से भी हम जानते हैं। तो हाँ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे। हु रोड गीत गोविंद।
गीत गोविंद जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी और ये जयदेव की है। तो ऑप्शन यहाँ जो आपका सही हो जाएगा गीत गोविंद के लिए तो वह आपका हो जाएगा यहाँ पे जयदेव। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन ये जयदेव। तो बच्चों बाणभट्ट की देखो एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ना हर्षचरित्र, हरिश्चंद्र की है। कालिदास ये जो हैं आप जानते हैं कि कालिदास की मालविकाग्निमित्र वगैरह काफ़ी प्रसिद्ध, अभियान शाकुंतलम, रघुवंश, ये सब इनकी प्रसिद्ध पुस्तक। और ये किनके दरबार से संबंधित थे तो चंद्रगुप्त, धृति, विक्रमादित्य उनके दरबार से कालिदास संबंधित हैं। तो प्यारे बच्चों जो प्रश्न पूछा है उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये नेक्स्ट 16/17 कथकली इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। तो प्यारे बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध डांस है कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गए, ये दोनों केरल के बहुत ही प्रसिद्ध डांस है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में भरतनाट्यम काफ़ी प्रसिद्ध है और कुचिपुड़ी देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके 18th नंबर पे। हु इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया महात्मा गांधी जी, सॉरी यहाँ बच्चों आंसर जो हम लोगों को हो जाएगा महात्मा बुद्ध जी। तो महात्मा बुद्ध जी यानी कि गौतम बुद्ध जो ये लिखा हुआ है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो लाइट ऑफ एशिया है वो हम महात्मा बुद्ध जी को कहते हैं, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी को बच्चों जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से आप कहते हैं पुकारते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही होगा। आप जानते हैं कि यह बौद्ध धर्म की इन्होंने शुरुआत की है बच्चों महात्मा बुद्ध, और जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 19th नंबर पे। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द नेशनल फ्लैग इच। तो नेशनल फ्लैग का लेंथ और ब्रीथ का जो है ये आपसे रेशियो पूछा गया। तो ध्यान देना बच्चों जो पहले लेंथ लिखा है और फिर बाद में देखो ब्रीथ लिखा है, तो लेंथ पहले वाला हो जाएगा यानी कि 3:2। तो अगर लेंथ पहले दिया हो तो 3 और अगर ब्रीथ पहले दिया होगा तो फिर 2 वाले से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यानी लेंथ और ब्रीथ का रेशियो पूछा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे जो ये फ्लैग है नेशनल फ्लैग उसमें 24 तीलियाँ होती है प्यारे बच्चों। आपने इसे जब देखा जाए तो 1947 में 22 जुलाई 1947 को आपने क्या किया, इसे एक्सेप्ट किया था, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन। हाउ मनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील ऑफ द नेशनल फ्लैग। बच्चों अभी मैंने एक बात यहाँ कही है और यहाँ पे एक बात कहते ही तुरंत प्रश्न भी पूछ लिया गया है। तो यहाँ तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 24 तीलियाँ हैं, अभी देखो मैंने आपको बताया भी 24 तीलियाँ हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 24 ऑप्शन होना चाहिए था। 24 एक तो हमें 24 करना पड़ेगा, तो 24 पर्टिकुलर एक करना पड़ेगा। तो 24 ये अगर आपका हो जाता है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि टोटल 24 तीलियाँ हैं। कितनी हैं बच्चों? 24 तीलियाँ हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे अगर ये 24 हम करें तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 21 पे। हु हैज वन एशियन स्नूकर टाइटल इन दोहा। तो प्यारे बच्चों जो देखो ये बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय हैं जिन्होंने स्नूकर खिलाड़ी हैं और इन्होंने टाइटल जीता है दोहा। तो टाइटल इन दोहा में इन्होंने जीता बच्चों एशियन टाइटल स्नूकर टाइटल जीता। तो ये पंकज आडवाणी है, तो यहाँ पे पंकज आडवाणी हमारा सही ऑप्शन होगा, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 22 नंबर का देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड हेल्थ क्वेस्ट स्टडी इन हॉस्पिटल। तो अभी बच्चों इसको इसरो ने लॉन्च किया है, आप जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? बंगलुरु में है और 1969 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका 22 नंबर पे था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम लोग देख लेते हैं और यह 23। विच यूटीज गवर्नर लॉन्च्ड अ न्यू फिल्म पॉलिसी इन 2021। आप देखें कि अभी जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने क्या किया कि वहाँ पर यह लॉन्च किया है न्यू फिल्म पॉलिसी। तो न्यू फिल्म पॉलिसी बच्चे यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो यह जम्मू कश्मीर में हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं
और ये रहा 24 नंबर पे, कंट्रीज फर्स्ट हार्ट फेलर बाय बैंक हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो प्यारे बच्चों अभी ये भारत में केरल में किया गया कि आपके भारत का पहला एक तरीके से क्या है हार्ट फेलर बाय बैंक बना है और स्टार्ट हुआ है और यह केरल में अभी हुआ है बच्चे। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण बात है कि आपके भारत के केरल में ये चीज़ अभी शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देख लें, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे मॉडल पेपर में, और ग्रैंड मास्टर डी गुकेस ऑफ इंडिया वन विच ओपन 2021। तो प्यारे बच्चों ग्रैंड मास्टर मतलब जो चेस खिलाड़ी हैं ये आपके, तो चेस खिलाड़ी गुकेस इन्होंने क्या किया कि नॉर्वे में अभी क्या किया कि इन्होंने नॉर्वे चेस, जो नॉर्वे चेस है उसको इन्होंने बच्चे जीता हुआ है नॉर्वे देश का। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण बात है कि डी को गुकेस साहब ने जीता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे हमारे ये मॉडल पेपर में कैसे क्वेश्चन थे, क्या लेवल था और कितने आपने अटेम्प्ट किए होंगे, तो ये सब कुछ भी आपको पता चला होगा, तो एक आइडिया आपको ज़रूर मिला होगा और आपका आगामी जो एग्ज़ाम है बच्चों वहाँ काफ़ी लाभदायक रहेंगे ये क्वेश्चन, इनसे आपको काफ़ी कुछ आपको सीखने और जानने को मिला होगा। तो बच्चों मेजर कृषि परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, जय हिंद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कृषि क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कृषि क्लासेस के साथ, आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें तो जय हिंद बच्चों, हमारा पहला सवाल है, द क्वांटिटी विच इज नाइदर डायमेंशनलेस नॉर यूनिटलेस, वह राशि जो ना बीमा हो हीन हो और ना मात्रकहीन हो, मतलब इसकी बीमा भी होनी चाहिए और इसके मात्रक भी होना चाहिए। तो पहला है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ मैटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो रो ये क्या हो गया, रो अपॉन रो डब्लू, ये भी आ गया बेटा के जी और पर मीटर क्यूब, और ये क्या आ गया के जी पर। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कृषि क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कृषि क्लासेस के साथ, आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkulsiclasses.com मीटर क्यूब, और ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गई बेटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गई, और ये क्या है पहला डायमेंशनलेस हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी इन एयर और वैक्यूम अपान वेलोसिटी इन मीडियम, और ये भी है बेटा मीटर पर सेकेंड और अपान में मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया वन, मतलब ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और यूनिटलेस क्वांटिटी है। फिर आता है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है वी ए बी, और वी ए बी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या आ गया बेटा इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड और यूनिट आएगी तो इसकी डायमेंशन भी होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी विच इज नाइदर डायमेंशनलेस नॉर यूनिटलेस। ठीक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो हमारा अगला सवाल है बेटा, गिवन दैट पी एंड क्यू इक्वल टू आर, मतलब एक दो वेक्टर है पी, ये वेक्टर है हमारा बेटा पी, ये हमारा एक वेक्टर है बेटा पी और अगला वेक्टर है क्यू, और कह रहा है पी और क्यू का रिजल्टेंट क्या है आर, एंड रिजल्टेंट आर इज परपेंडिकुलर टू पी, देन आर इज परपेंडिकुलर टू पी, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड इफ़ इट इज परपेंडिकुलर देन क्यू शुड बी मोर देन 90 डिग्री। अब कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का एंगल क्या है, तो देखिए बेटा इसका रिजल्टेंट क्या है इन दोनों वेक्टर के बीच में आएगा, रिजल्टेंट बीच में आएगा और रिजल्टेंट 90 पे है, इसका मतलब ये 90 से ज़्यादा होगा, तो हमारे दो ऑप्शन क्या हो गए एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 90 से कम ये ऑप्शन हमारा कैंसिल, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया बेटा
ये कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल। अब हमारे पास दो ऑप्शन है जो 90 से ज़्यादा हैं, तो पहला ऑप्शन है पाई, पहला है 3π/4 और दूसरा है पाई रेडियन। तो बेटा ये पाई कब होता, पाई अगर होता तो इनका रिजल्टेंट क्या आता बेटा, किसी एक डायरेक्शन में आता। ये पी है और ये क्यों है, अगर ये 90 डिग्री पे होता तो पी माइनस क्यों, इसका रिजल्टेंट क्या आता, पी माइनस क्यों, और किधर आता बेटा, पी डिफरेंस क्यों, पी डिफरेंस क्यों, ये क्या हो जाता बेटा, पी डिफरेंस क्यों, और पी डिफरेंस क्यों आता बेटा, तो ये किधर आता, बड़े वाले वेक्टर, 10 न्यूटन का फोर्स, 7 न्यूटन का फोर्स, तो किधर आएगा, 3 न्यूटन, किधर, बड़े वाले की तरफ, ठीक है बेटा। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, पाई तो नहीं हो सकता, पाई किसके लिए है, दो अपोजिट वेक्टर के लिए, तो 90 कब हो सकता है बेटा, 3π/4 रेडियन पे, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, कह रहा है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर सक्सेसिव सेकंड ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब जब कोई पिंड अपनी गति विरामावस्था से एक नियत त्वरण से चलता है तो लगातार सेकंडों में चली गई दूरी का अनुपात। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू कर रहा है बेटा, रेस्ट से, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा फाइनल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है यू और प्लस एटी, और ये कह रहा है कि यू क्या है बेटा, यू जीरो है, यू जीरो है तो हम इसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो वी बराबर क्या आ गया बेटा, एटी। और ये क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या कह रहा है बेटा, ये एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो ए क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और ए कांस्टेंट है, इसका मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो वी क्या आ गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब सवाल में क्या है, ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि पहले सेकंड पे अगर हम क्या रखें बेटा, टी इक्वल टू वन रखें, टी इक्वल टू वन रखें तो ये क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू ए आएगा क्या, अच्छा वी टी इक्वल टू टू रखेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू टू ए आ जाएगा क्या, अगर टी इक्वल टू थ्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू थ्री रखेंगे बेटा तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू आ जाएगा थ्री, और वी इक्वल टू आ जाएगा बेटा थ्री ए। इसका मतलब क्या है, अगर रेशियो निकालें तो वी वन रेशियो वी टू रेशियो वी थ्री, ये क्या आ जाएगा बेटा, वन रेशियो टू रेशियो थ्री, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया इसका, बी वाला, ठीक बेटा। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, तो अगले सवाल में कह रहा था वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, कह रहा अधिकतम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेप का वेग प्रारंभिक वेग का आधा है, इसके परास का मान होगा, तो परास का मान निकालना है। अच्छा पहली कंडीशन क्या दे रखी बेटा, पहली कंडीशन दे रखी द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट आप प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स, तो ये जो मैक्सिमम हाइट पे u, ये क्या है बेटा, u जो है मैक्सिमम हाइट पे वो क्या है बेटा, u एट h हाइट, ये क्या है u बाई टू है, इनिशियल वेलोसिटी का आधा। अच्छा u मैक्सिमम हाइट पे क्या बचता है, ये एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया बेटा, और प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया तो इसके दो कंपोनेंट निकल के आए, एक आया बेटा ये u वेलोसिटी निकाल रहे थे, और एक कंपोनेंट आया u cos थीटा, और एक कंपोनेंट आया u sin थीटा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, u sin थीटा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, केवल बचेगा u cos थीटा, और u cos थीटा क्या है बेटा, u बाई टू के बराबर है, u cos थीटा क्या है, u बाई टू के बराबर है, तो यहाँ से u कैंसिल हो गया, cos थीटा बराबर क्या आ गया बेटा, 1/2, दैट मीन्स थीटा हमको पता चल गया कि हमने प्रोजेक्टाइल को कितने पे, 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया था। अब हमको निकालना है 60 डिग्री के लिए रेंज, तो रेंज बराबर होता है बेटा u स्क्वायर साइन टू थीटा अपान में जी, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, रेंज आ जाएगा, साइन टू थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लिखेंगे u स्क्वायर और साइन टू थीटा, तो देखो ये u स्क्वायर और साइन 120, साइन 120 और साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, √3/2, तो ये √3 u स्क्वायर अपान में बाई टू जी, तो ये क्या आ गया बेटा, तो इसका आंसर इधर लिखते हैं, तो ये आ गया बेटा आंसर, इसका आ गया r इक्वल टू
यू स्क्वायर अपान में जी था, और ये क्या आ गया बेटा साइन, इसकी वैल्यू आ गई रूट थ्री अपान में टू, ये क्या आ जाएगा बेटा रूट थ्री यू स्क्वायर अपान में जी, तो ये आर की वैल्यू, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन में ये क्या यू बाहर रहेगा, ये बेटा ये ऑप्शन क्या होगा अंडर रूट थ्री और यू स्क्वायर अपान टू जी, ठीक, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक, फिर अगला सवाल देखते हैं बेटा हम लोग, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ये कह रहा भैया एक ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम है, एंड ऑफ द, ये एक रस्सी है बेटा, एक रस्सी है, ये क्या है एक रस्सी है, और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 5 केजी है, कितना है बेटा 5 केजी है, और ये एक रस्सी है, रस्सी क्या कर रही बेटा इफ रोप इज पुल्ड अपवर्ड, रस्सी को हम लोग क्या कर रहे हैं ए एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ए एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो कह रहा है व्हाट इज द नेट टेंशन, तो भाई ये इसमें टेंशन लग रहा होगा रस्सी में, ये टेंशन लग रहा होगा, और इसका एम जी क्या होगा नीचे लग रहा होगा, इसका एम जी, और अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब टेंशन क्या है ज़्यादा है, एम जी क्या है कम है, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा भाई टेंशन माइनस एम जी एंड दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय विच इट इज मूविंग अपवर्ड, ये क्या है नेट बल है जिसके कारण ये क्या कर रहा है ऊपर जा रहा है, ये कितना आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा एम इंटू ए के बराबर आ जाएगा। अच्छा टेंशन, तो टेंशन लिखेंगे बेटा टी बराबर एम जी और प्लस क्या आ जाएगा एम इंटू ए, हम एम कॉमन ले लिए तो ये क्या आ गया बेटा जी प्लस ए, और जी का मान कितना है एम, और जी 9.8 और प्लस एक्सीलरेशन की वैल्यू दे रखी बेटा 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जीरो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये 5 केजी है और ये क्या हो जाएगा 10.1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 50.5, ये कितना आ जाएगा 50.5, तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 15.5, ये क्या हो गया बेटा 50.5, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भैया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 50% द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, तो मोमेंटम क्या होता है बेटा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा 2m k, दिस इज ए रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं किसी पिंड का संवेग, संवेग बोले तो पी को हम क्या कर रहे हैं बेटा पी को 50% बढ़ा दे रहे हैं, तो अगर हम मान लें पी इनिशियल क्या है बेटा पी है, तो जो पी फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा पी फाइनल पी और प्लस 50% ऑफ पी, 50% ऑफ नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 3/2 पी, तो पी इनिशियल हमारा पी है और पी फाइनल क्या है 3/2 पी है। अच्छा हम क्या लिखें के इनिशियल लिखना चाहें तो के इनिशियल कैसे लिखेंगे बेटा, के इनिशियल लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा के आई, के इनिशियल क्या हो जाएगा बेटा ये पी स्क्वायर अपान 2m, और हमने इसको बोल दिया क्या बेटा ये k है, तो p फाइनल कितना, k फाइनल कितना हो जाएगा बेटा k फाइनल हो जाएगा p स्क्वायर बोले तो k p फाइनल का स्क्वायर अपान में 2m। अच्छा p फाइनल कितना है 3/2 p का स्क्वायर, तो 3/2 p का स्क्वायर बोले तो 9/4 और ये p स्क्वायर अपान में 2m, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/4 और ये क्या k, तो हमारा जो k इनिशियल था k था और k फाइनल क्या बढ़ के 9/4 k हो गया, तो हमारे काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ डेल्टा k इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, k फाइनल कितना बेटा 9/4 और 9/4 माइनस कितना 9/4 k माइनस k, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5/4 k। अच्छा अब अगर इसको आगे देखें तो हम लोग क्या इसको इधर देखते हैं, तो इसके ऊपर ये सवाल क्या हो जाएगा बेटा हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था परसेंटेज इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज परसेंटेज लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा डेल्टा के अपान के इनिशियल इंटू 100 और ये डेल्टा के कितना है बेटा 9/4 k अपान में k इंटू 100, ये क्या हो जाएगा k से k कैंसिल हो जाएगा क्या, और ये क्या आ जाएगा बेटा 125%, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया सी वाला, ठीक है भैया। फिर इसके बाद देखते हैं
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फोर्स विच मस्ट इम्पोज ऑन द पार्टिकल्स, तो पहले इसको हम हटा देते हैं। फिर कह रहा है द फोर्स विच मस्ट बी इम्पोज ऑन द पार्टिकल्स सो एज टू मेक इट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन द सर्कुलर पाथ इज कर्व्ड। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, स्पीड क्या है कांस्टेंट रहती है, लेकिन हर जगह उसकी डायरेक्शन क्या होती है बदलती है, तो डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी क्या होती है चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए देयर शुड बी एन एक्सटर्नल फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई भी पिंड वृत्ति पथ पर गति कर रहा है तो उसको वृत्ति पथ पर गति करने के लिए जो बल चाहिए होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना होता है इसकी वैल्यू बेटा, तो एफ बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपान आर। अगर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से आर रेडियस के पाथ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बेटा। इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल रिमेन अनचेंज्ड एट, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, रिलेशन क्या होता है बेटा, ये रिलेशन होता है जी इक्वल टू होता है जी एम, ये क्या है बेटा कैपिटल जी, ये क्या है जी एम अपान आर ई क्या स्क्वायर, दिस इज ए रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अच्छा, चार कारणों से जी का मान बदलता है क्या होता है, पहला कि अर्थ के शेप की वजह से जी का मान बदलता है, अर्थ ध्रुवों पे क्या है चपटी हुई है, इक्वेटर पे फैली हुई है, तो रेडियस चेंज होती है तो जी का मान चेंज होता है, ऊंचाई पे जाते हैं तो जी का मान क्या होता है घटता है, गहराई पे जाते हैं तो भी जी का मान घटता है। चौथा कारण होता है उसके रोटेशन, अर्थ क्या कर रही है रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है रोटेट कर रही है, और रोटेशन की वजह से जो जी डैश का फार्मूला आता है वो होता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर और कास स्क्वायर लेमडा, और लेमडा पोल्स के लिए, लेमडा फॉर पोल्स, लेमडा 90 डिग्री फॉर पोल्स, पोल्स पे लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, तो जी डैश का मान क्या हो जाएगा जी माइनस जीरो, मतलब जी डैश का मान पोल पर परिवर्तित नहीं होगा, जी डैश का मान पोल पर परिवर्तित नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। अगला सवाल देखते हैं बेटा। एन ऑब्जेक्ट वेट्स मैक्सिमम इन एयर, तो कह रहा है किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है, तो हम किसी भी माध्यम में किसी वस्तु को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है बेटा ड्रैग फोर्स लगता है, थ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल लगता है, और उत्प्लावन बल लगेगा तो उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावन बल दैट डिपेंड्स एफ अप, एफ अप का मान क्या होता है बेटा एफ अप इज इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज वॉल्यूम इंटू रो ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूड, रो ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूड अपान जी, इफ रो डेंसिटी ऑफ फ्लूड उस भी मीडियम का अगर घनत्व ज़्यादा है तो क्या करेगा उस पर ऊपर की तरफ बल ज़्यादा लगेगा, और अगर घनत्व कम है तो ऊपर की तरफ बल कम लगेगा तो उसका वेट क्या आएगा ज़्यादा आएगा, तो रो किसका ज़्यादा है इसमें बेटा, जिसका रो सबसे ज़्यादा होगा उस पर क्या होगा ऊपर की तरफ बल ज़्यादा लगेगा और उसका वेट क्या आएगा सबसे कम, जिसका रो कम होगा घनत्व जिसका सबसे कम होगा बेटा वो क्या आएगा उसमें फोर्स ऊपर की तरफ कम लगेगा और मैक्सिमम वेट कहाँ आएगा नीचे की तरफ आएगा, तो कैसे आएगा बेटा, तो देखते हैं हवा पानी और हाइड्रोजन और निर्वात में सबसे कम डेंसिटी किसकी है, सबसे कम डेंसिटी है वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं है तो वैक्यूम की डेंसिटी क्या है सबसे कम है। अच्छा, तो वैक्यूम की डेंसिटी कम है तो यहाँ पे जो अब थ्रस्ट फोर्स आएगा ये ऑब्जेक्ट है बेटा उसका एम जी है और ये क्या है एफ अप है और एफ अप क्या आएगा कम आएगा, एफ अप बिल्कुल नेग्लिजिबल जीरो आ गया, तो पूरा वेट क्या होगा अधिकतम भार कहाँ होगा बेटा वैक्यूम में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी वाला निर्वात में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। रेन ड्राफ्ट फॉल्स विद कांस्टेंट स्पीड ड्यू टू, वर्षा की बूंद नियत चाल से किसके कारण गिरती है, तो वर्षा की बूंद का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा कि ये एक रेन ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप जब आती है तो ये अपने एमजी की वजह से नीचे आती है, और अच्छा जब एयर में ये गिरती है एटमॉस्फेयर के तो एटमॉस्फेयर की गैसेज के कारण इस पे क्या लगता है विस्कस फोर्स लगता है एफ, और एफ का मान होता है स्टोक के नियम से 6 पाई ईटा आर वी। अब जैसे जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा
जैसे जैसे इसका वेलासिटी बढ़ेगा एफ अप क्या होता है, बढ़ता जाता है, और उसके बाद क्या होता है बेटा, एक टाइम आता है ये क्या कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो ये ऊपर की तरफ बल कौन लग रहा है बेटा, ये विस्कस फोर्स लग रहा है। तो रेन ड्राप का जो कांस्टेंट स्पीड आती है वो किसकी वजह से आती है बेटा, विस्कोसिटी की वजह से। विस्कोसिटी की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगता है और वो फोर्स बढ़ता जाता है और एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा द डायमेंशनल फार्मूला, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्ट्रेस इज सेम एज दैट फॉर फोर्स। डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्ट्रेस इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। तो डायमेंशनल फार्मूला किसका निकालना है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है बेटा, स्ट्रेस बराबर होता है, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपान एरिया। तो फोर्स अपान एरिया, और प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर भी होता है फोर्स अपान एरिया। तो इनके फार्मूले सेम है बेटा, तो डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, ये दाब के बराबर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, दाब के बराबर हो गया। तो इसका फार्मूला क्या आ गया, दाब के बराबर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है बेटा द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इज। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, हम लोग आइडियल गैस थर्मोमीटर में यूज करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो कैसे आता बेटा, तो ये है, ये हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं। हम जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जाते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसका प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है। तो ये क्या होता है, लेकिन एक थ्योरेटिकल प्रेशर क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये थ्योरेटिकल प्रेशर जीरो हो जाता है और वो टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर, ये क्या है, वो प्रेशर है जिसपे थ्योरेटिकली प्रेशर ऑफ द ऑल गैस पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूल बिकम्स जीरो। ये क्या है बेटा, द लोवेस्ट टेम्परेचर। ऐसा प्रैक्टिकली टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, हम लोग इसको थ्योरेटिकली ही डिफाइन किए हैं। तो द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट इज थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल। ठीक, फिर अगला सवाल कह रहा बेटा द कलर ऑफ एन ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू दैट कलर विच इज एब्जॉर्ब नॉट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इज रिफ्लेक्टेड एंड इज स्कैटर्ड। कह रहा है एक अपारदर्शी वस्तु का रंग होता है, उस रंग के कारण जो अवशोषित होता है परावर्तित होता है, परावर्तित नहीं होता। तो हम देखते हैं कैसे कोई वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। तो एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट पे क्या आती है, लाइट आती है, और लाइट का कुछ हिस्सा क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, और कुछ हिस्सा क्या करेगा, ये ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, हमें कोई ऑब्जेक्ट जो कलर रिफ्लेक्ट करता है वो कलर दिखाई पड़ता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द कलर ऑफ एन ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू दैट कलर विच इज रिफ्लेक्टेड। जो परावर्तित होता है वही कलर हमको दिखाई पड़ता है। तो सर अगर ये सारे कलर परावर्तित करे तो क्या होगा, सारे कलर परावर्तित करेगा तो ये क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट बन जाएगा। व्हाइट लाइट में क्या होते हैं, सारे कलर। तो ये ऑब्जेक्ट हमको क्या दिखेगा बेटा, व्हाइट कलर का दिखेगा। सर अगर सारे कलर को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले तो क्या होगा, तो एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, तो ये क्या होगा, सारा कलर एब्जॉर्ब हो गया, कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, मतलब जहाँ पर प्रकाश है ही नहीं, कोई प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आ नहीं रहा है, तो हमको ऐसा क्या दिखेगा, अंधेरा जैसा। अंधेरा क्या होता है, ब्लैक कलर। तो उस समय ये क्या दिखेगा बेटा, अगर सब ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बेटा। अरे गिवन दैट आर इज द मोलर गैस कांस्टेंट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू हीट वन मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस थ्रू वन डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कह रहा है बेटा ये किसका मान दे रखा है आपको, आपको निकालना है क्या, स्थिर दाब पर सीपी का मान निकालना है। तो सीपी क्या होता है बेटा, सीपी निकालना है हमको किसके लिए, एक मोल के गैस के लिए। तो सीवी क्या होता है बेटा, सीवी बराबर होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर। सीवी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाई वन मोल ऑफ गैस बाई वन डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कितना आता है बेटा, इसका फार्मूला आता है थ्री बाई टू आर। अच्छा, हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या होता है, सीपी बराबर क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर।
और यहाँ पे हमको पता है बेटा ये सी पी है और ये क्या है 3/2 आर है और ये क्या है आर, तो यहाँ से सी पी कितना आ जाएगा बेटा 3/2 आर और प्लस आर, तो कितना आ गया बेटा 5/2 आर, दैट इज 2.5 आर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट बेटा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर अगला सवाल देखते हैं बेटा, कह रहा फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस इक्वेशन इज एक्सप्रेस एज, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस इज प्रोसेस विच इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसमें टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू आर टी, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या होती है प्रोसेस इक्वेशन, एडियाबेटिक की पूछता है तो एडियाबेटिक की प्रोसेस इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक की है, तो आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, या एक मोल के लिए है तो क्या हो जाएगा आर टी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा, अगले सवाल में कह रहा है एक पेंडुलम है बीट्स फास्टर देन स्टैंडर्ड पेंडुलम, तो स्टैंडर्ड पेंडुलम से वो तेज़ी से फास्ट करता है, तेज़ी से फास्ट मतलब वो जल्दी जल्दी चल रहा है, इसका मतलब उसे एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगता है वो क्या है कम है, मतलब उसका जो टाइम पीरियड क्या है स्टैंडर्ड पेंडुलम से कम है, टाइम पीरियड क्या है स्टैंडर्ड पेंडुलम से कम है। अच्छा हम चाहते हैं कि इसको स्टैंडर्ड पेंडुलम की फ्रिक्वेंसी में लाना चाहते हैं, फ्रिक्वेंसी में लाना चाहते हैं तो क्या होगा बेटा हमें इसका टाइम पीरियड बढ़ाना है, कहाँ तक जब तक कि इसका टाइम पीरियड स्टैंडर्ड पेंडुलम के टाइम पीरियड के बराबर ना हो जाए, तो कैसे करेंगे बेटा ये टी बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है टू पाई अंडर रूट एल अपान जी, अगर टू पाई कांस्टेंट है जी कांस्टेंट है तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, तो अगर हम चाहते हैं इसका टाइम पीरियड बढ़ाना तो हमें क्या करना पड़ेगा लेंथ इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज्ड। ठीक है अगला सवाल देखते हैं बेटा, तो अगला सवाल है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर वायु में ध्वनि का वेग है, तो वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है बेटा, तो हमारे पास फार्मूला होता है इसका ध्वनि का वेग निकालने के लिए v इक्वल टू अंडर रूट गामा p अपान रो, और इस फार्मूले पे जब रख के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 330 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक फिर हमारा अगला सवाल है बेटा 17 के बाद 18, और 18 में क्या कह रहा है बेटा, 18 में कह रहा है द फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड, तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज केप्ट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, एक चार्ज रखा हमने यहाँ पे, हमने क्या किया एक चार्ज रखा है यहाँ पे, एक क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पे क्या एक दूसरा पॉइंट चार्ज ले आ रहे हैं यूनिट चार्ज, तो इस पे जो फोर्स लगेगा E बराबर होता है F अपान क्यू, और ये जो यूनिट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट कौन सा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फिर अगला सवाल है इंट्रोड्यूसिंग अ स्लैब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गोइंग टू वेरी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, एंड फार्मूला इज C इज्क्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपान D, तो जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा ज़्यादा होगा उसका क्या होगा कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, तो कॉपर क्या है मेटल, अनंत चालकता है, तो इसकी क्या होगी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एल्युमिनियम क्या है ये भी, इसकी
जिंक जो है, जिंक की जो होती है कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? कापर की है। फिर किसकी है? एल्यूमिनियम की है। कापर की है, फिर किसकी है? एल्यूमिनियम की है, और उसके बाद किसकी है बेटा? जिंक की। तो जिंक की कंडक्टिविटी सबसे कम, सॉरी, जिंक का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे कम है, इसलिए क्या करेगा ये, इसकी कैपेसिटी को डिक्रीज कर देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? जिंक ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा, कह रहा है टू कापर्स ऑफ वायर, टू कापर वायर्स ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड टू एल आर रिस्पेक्टिवली हैव सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ए टू द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बी, मतलब दो तार जिनकी लंबाई एल तथा टू एल है और इनके क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल समान है, तो आपको प्रतिरोध का अनुपात बताना है। तो कैसे निकालते हैं? हमें पता है भाई R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो, R बराबर क्या होता है बेटा, R इक्वल टू होता है रो L अपान A। अब अगर दोनों कापर के वायर हैं तो रो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, एरिया भी क्या है सेम है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R1 अपान R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा L1 अपान L2, और क्या है L है और L2 कितना है 2L है, तो R1 अपान R2 कितना आ जाएगा बेटा R1 अपान R2 या RA अपान RB कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 1 रेशियो 2 या 1 बाई 2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D वाला। अगला सवाल देखते हैं बेटा, अगला सवाल में कह रहा है टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स 40 वाट एंड 200 वोल्ट एंड 100 वाट एंड 200 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन विदाउट फ्यूजिंग आइदर बल्ब, तो हमारा कोई बल्ब फ्यूज नहीं होगा। अच्छा ठीक बेटा, तो इसको देखते हैं सवाल, ये कह रहा है कि जिसके एक का क्या है पावर दे रखा है 40 वाट एंड 200 वोल्ट और दूसरा है 100 वाट एंड 200 वोल्ट, तो पहले हम R1 और R2 निकाल लेते हैं। तो R1 क्या हो जाएगा बेटा, R1 बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपान P, एंड V कितना है बेटा, V कितना है 200 इंटू 200 अपान में 40, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा बेटा 1000 ओम, तो R1 की वैल्यू मिल गई हमको 1000 ओम। अच्छा R2 निकाल लेते हैं, R2 कितना है बेटा, R2 कितना है तो V स्क्वायर अपान में P2, और V स्क्वायर कितना है 200 इंटू 200 अपान में 100, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 400 ओम। अब सीरीज में क्या होगा, करंट सेम जाएगी, तो जिसकी क्या है पावर कम है वो पहले फ्यूज होगा। तो हम निकालते हैं कितना पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें पता है V स्क्वायर अपान R बराबर क्या है P है, तो पहले के लिए अगर हम निकालना चाहें बेटा तो पहले के लिए क्या आ जाएगा, V इक्वल टू अंडर रूट P इंटू R, एंड P इज 40 एंड R इक्वल टू 1000, देन इट विल कम 200 वोल्ट, तो 200 मैक्सिमम पोटेंशियल वी कैन अप्लाई अक्रॉस द वायर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला 200 वोल्ट। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है इन द चार्जिंग विच ट्रांसफर फ्रॉम वन मैटर टू अदर, तो चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, चार्जिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो अगर किसी चीज़ को रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, तो क्या प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू कम फ्रॉम वन मैटर टू अनादर, दैट्स वाई इन द चार्जिंग विच ट्रांसफर फ्रॉम द वन मैटर टू अनादर इज इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्जिंग में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। फिर अगला सवाल देखते हैं बेटा, ट्रांसफार्मर्स कैन बी यूज ओनली, तो इसका ये क्या है बेटा, कह रहा है कि एसी में यूज कर सकते हैं, डीसी में यूज कर सकते हैं, बोथ में यूज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू चेंज द वोल्टेज
फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई, तो किस प्रिंसिपल से काम करता है बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। एंड म्यूचुअल इंडक्शन कब होगा? जब करंट वेरी करेगी, और करंट वेरी कहाँ करेगी बेटा? एसी में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, केवल एसी में ट्रांसफार्मर का यूज कर पाते हैं, डीसी में नहीं। डीसी में क्या होता है, डीसी में करंट क्या होती है, बिल्कुल बेटा कांस्टेंट होती है, जबकि एसी में करंट क्या होती है, डीसी का ग्राफ है, ये क्या है, डीसी का, और एसी में करंट सिनोसाइडल वेव की तरह चलती है, तो करंट वेरी करती है, इसलिए क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है किसमें बेटा, एसी में, और एसी में ही हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज कर पाएंगे। फिर अगला सवाल देखते हैं बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज पूछा है बेटा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है बेटा, ये तो नेचर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं भैया, तो नेचर ऑफ इमेज निकालने के लिए हमारे पास ये मिरर है, और मिरर फार्मूला पता है 1/f = 1/b और +1/u, 1/v + 1/u। तो ये क्या है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव में होती है, कितनी है बेटा, -15 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव में आएगा, कितना, -5 सेंटीमीटर। तो हम लोग अगर v निकालना चाहें तो 1/v = क्या आ जाएगा बेटा, 1/f और -1/u, तो कितना आ जाएगा बेटा, -1/15 और प्लस, ये क्या है, पहले से नेगेटिव में है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-15 और ये माइनस, और ये हो जाएगा -1/5, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1/5 और -1/15, ये क्या आ जाएगा, 1/15। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2/15 और 1/b की वैल्यू आ गई 2/15, दैट इज v = 7.5। ये वैल्यू पॉजिटिव आई है क्या, और पॉजिटिव आई है, तो ये क्या है बेटा, ये मिरर के बैक साइड में बनेगा, और बैक साइड में बनेगा तो कैसा इमेज हो जाएगा, वर्चुअल, और वर्चुअल हो जाएगा। अच्छा, अब हमें देखना है कि मैग्नीफाइड होगा कि नहीं, तो m बराबर होता है क्या बेटा, v/u, तो v/u, तो v कितना आया बेटा, 7.5, और ये कितना है बेटा, -5, तो ये नेगेटिव में आ गया, कितना बेटा, नेगेटिव में आ गया 1.5। इसका मतलब ये इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, और मैग्नीफाइड है बेटा, और कैसा है, नेगेटिव में आया, इसका मतलब क्या है, इमेज इन्वर्टेड भी है, तो ये क्या हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है, तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं, जो कि लास्ट सवाल है बेटा हम लोगों का। तो अगले सवाल में कह रहा है, दो थिन लेंस हैं जिनकी क्या कहते हैं, फोकल लेंथ दे रखी है, F1 दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और F2 दे रखा है 8 सेंटीमीटर, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाई द डिस्टेंस, जो D दे रखा है बेटा 4 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हम लोग जानते हैं 1/f = 1/F1 एंड +1/F2 एंड -D/F1/F2, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 + 1/8 -4/4 × 8, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/8 और 1/8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/4, तो 1/f की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 आ गई, इसका मतलब जो फोकस हो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया बेटा ए वाला, ए में क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ये सारे क्वेश्चन का सलूशन रहा बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और ऐसे ही सीखते रहें। थैंक यू एवरीवन। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, टॉप काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर, और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।